اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

तेरा तला जीना अन अमता अलै हिम उगैरिल मगजूबे सामिनी क्रम किसी जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जवाबत के लिए ख़ाकसार की तरफ़ कुछ सवालात लिख कर भेजे हुए हैं एक दो दिन की बात है पहले एक दो दिन पहले उन्होंने भेजे हैं तो खाकसार मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के सवालत का जिक्र तो बाद में करेगा लेकिन मैं मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के सवाल के जवाब देने से पहले की चंद तमहदी बातों का यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ मेरे सामिन को याद रहना चाहिए कि अल्लाह ताला मजदों को मुख्तफ़ किस्म के फसादात की असलाह और तजदीद के लिए मामूर फरमाता है ये फसादात मजहबी यानी रूहानी भी हो सकते हैं और सियासी और इल्मी भी हो सकते हैं हर सदी हिजरी के मजदद को अल्लाह ताला उस सदी के फसादों की मुनासबत से महबूस फरमाया या मामूर करता है किसी सदी हिजरी के मुजदत को किसी रंग में मामूर फरमा देता है यानी अल्लाह ताला और किसी दूसरे को किसी और रंग में मामूर फरमा देता है यह अल्लाह ताला का अपना फैसला या इरादा होता है कि उसने किसी सदी हिजरी के मतदत को किस तरह मामूर फरमाना है लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हर सदी हिजरी के मज़दत को अल्लाह ताला वही और अल्हाम के साथ ही मामूर फरमाता है तो ये तो सिंपल सी बातें हैं जिसका आज मैं अपने जो सामिन हैं उनको बता रहा हूँ तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताली सूरत नूर की आयत नंबर छप्पन में फरमाता है بعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتزى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا फ़राब का फायफ़ाशन ये जो ऐत है सूत नूर की ऐत नंबर छप्पन इसका तर्जमा इस तरह है ये जो मिर्ज़ा ताहिर साहब ने तरजमा किया हुआ है मैं वही तरमा साम के आगे पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ इस ऐत करीमा में अल्लाह तरफ मत है तुम में से जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल बजाय लाए तुम में से जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल बजा लाए उनसे अल्लाह ने वादा किया है कि उन्हें ज़रूर ज़मीन में खलीफा बनाएगा जैसा कि उसने उनसे पहले लोगों को खलीफा बनाया और उनके लिए उनके दीन को जो उसने उनके लिए पसंद किया ज़रूर तमकनत अता करेगा और उनकी खौफ की हालत के बाद ज़रूर उन्हें अमन की हालत में बदल देगा वो मेरी इबादत करेंगे मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। और जो उसके बाद भी ना शुक्री करे तो यही वो लोग हैं जो फासिक हैं यानी नाफरमान हैं तो ये तो सूत नूर की आयत नंबर छप्पन का जो अभी जिसकी अभी मैंने तलावत की उसका तर्जमा था <स्थाँगाँ> इसके बाद मैं सामीन को बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला से ख़बर पाकर हमारे प्यारे नबी हरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुशतबा ने एक हदीस में फरमाया हुआ है कि अलखिलाफत सलासून आमन सुमा यकून बदाजालकल मुल्क यानी मसंद अहमद में ये हदीस पाई जाती है या ये रवायत पाई जाती है आसा फरमाते हैं इन अल्फाज में कि मेरे बाद खलफा का सिलसिला तीस साल रहेगा और इसके बाद मलूकियत कायम हो जाएगी और आमदी जो इसको देखना चाहें वो इस्लामी खिलाफत का सही नज़रिया मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब की एक लिखा हुआ किताबचा है उसके सफ़ा इकतीस पर ये जो मैंने अल्फाज हदीस के पढ़े हैं वहाँ पर ये आप उसका चेक कर सकते हैं वहाँ पर ये लिखे हुए हैं की तरफ मनसूब करके ना सामीन क्रम में आप लोगों को चंद बातें इस वक्त बताना चाहता हूँ पहली बात ये है आप कि आप लोग याद रखें कि मिर्ज़ा ग़ल अहम्सम पर सूरत नूर की आयत नंबर छप्पन नाजर नहीं हुई थी बहुत सारी कुरान की आयात मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब पर इल्हाम हुई हैं तस्करा में मौजूद हैं लेकिन ये सूरत नूर की आयत नंबर छप्पन जिसमें अल्लाह ते हत महमदा अहमद मतबा से आपकी रहफ़ा के बाद के कैम करने का वादा फरमाया हुआ है ये आयत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब पर नाज़र नहीं हुई थी पहली बात दूसरी बात यह है कि मिर्ज़ा गुलाम एम सम की जितनी वही और इ्हाम है तस्करा में मौजूद है उसको आप पढ़ें देखें आपको मिलेगा कि अल्लाह ताला ने किसी मिर्ज़ा गुलाम सम की वही या इल्म में ह मिर्ज़ा गुलाम सम से आपके बाद खुलफ़ा के सिसे के जारी करने का वादा नहीं फ़रमाया जैसा आसम से फरमायासम से फरमाया मिर्जा गुलाम सम से आप की वही में किसी किस्म का ऐसा वादा नहीं मिलता यह तो दूसरी बात हुई तीसरी बात यह है कि आहसम के इस फरमुदा वो क्या है वो ये है कि आसम ने फरमाया हुआ है कि हर नबोवत के बाद खिलाफत होती है और हर खिलाफत के बाद मलोकित तो होती है आर सम ने इसमें अपनी इस रवायत में ये फ़रमाया कि हर नबौवत यहाँ पर हर नबौत से मुराद साहब शरीतन बहत मुराद है लाम नबौवत या उमती नबत मुराद नहीं है आसम की साहब शरीत मुराद है यानी साहब शरीत नबियों के साथ अल्लाह ते वाद फरमाया करता है कि उनके बाद त उनके जो दीन वो दुनिया में लाते हैं शरीयत लाते हैं उसकी तमकनत और मजबूती के लिए उनसे वादा फरमाता है कि तुम्हारे बाद मैं तुम्हारे ये जो दीन मैंने तुम्हें दिया है और इसकी आप लोगों ने दुनिया में ऐलान किया है इसकी तमकनत और मजबूती के लिए तुम्हारी रहत के बाद मैं खुलफा खड़े करूँगा तो ये साहब शरीय नबियों के साथ अल्लाह ताला का वादा है हर नबी ग़ुलाम नबी है या उमती नबी है उसके साथ ये वादा अल्लाह ताला ने कभी नहीं किया मैं आपकी मिसाल देता हूँ कि हरत मूसा अलम की जो है उनकी उनकी उम्मत है आप देखें कि हरत मूसा साहब एक साहब शरीत नबी थे उन पर तौरात नाजिल हुई तो इस तौरात की तमकनत और मजबूती के लिए अल्लाह तौर ने पे दर पै हरत मूसा साहब की ग़ुलामी में नबी खड़े किए वो सारे नबी थे वो खलीफे थे अल्लाह ताला के लेकिन उनमें से आप देखें किसी जो नबी था मूसा की शरीयत में खड़ा होने वाला किसी के साथ कोई अल्लाह ने ऐसा वादा नहीं फरमाया था कि उसके बाद अल्लाह ने उसके खलफा का सिरसा जारी फरमाया हुआ मिसाल मैं देता हूँ हज़िक इसमाम थे उसके बाद कौन सा खलफा का सिलसिला जारी हुआ था हज याहिस्म के बाद कौन सा खुलफा का सिलसिला जारी हुआ था ये नबी हैं जिनका कुरान करीम में ज़िक्र है और इसरा हरत ईसा अल्सम मूसरे के ये आखिरी मरसल, मरसल थे नबी थे तो इनके बाद भी लड़ ने कोई ऐसा खिलाफत का वादा नहीं इनको फरमाया था इनके साथ क्योंकि ये हरत मूसा साम की शरीय के ही ताबे नाजिल हुए थे खड़े हुए थे मबूस हुए थे इसरा हम देखते हैं कि जैसा कि आंस में फरमाया है कि हर नबौवत के बाद खिलाफत होती है और हर खिलाफत के बाद मलोकित तो होती है ये यह यहाँ पर नबौत से मुराद साहब शरीय नबत है शरी नब की बात आंसू फरमाई ही है और ये जो बातें मैं कर, कर रहा हूँ तो आप बिल्कुल हरत मिर्जा उम्मी साहब का रसाला है अलवसियत उसमें।, उसमें उन्होंने बड़ी अहम बातें लिखी हुई है। हैं एक वसीयत की है अपने मानने वालों के आगे वो बड़ी ज़रूरी है जो लोग मिर्जा अलम साहब को मानते हैं उन पर फ़र्ज़ है इसको इस रिसाले को बार बार पढ़ें वहाँ पर मिर्ज़ा गुलाम साहब ने किसी अपने बाद किसी खिलाफत का जिक्र नहीं फरमाया हुआ आप पढ़ लें अलफ से लेकर यह तक पढ़ें अभी मैंने कहा है कि मिर्ज़ा गुलाम साहब की तमाम वही में आपको जैसा कि हजरत मोहम्मद अहमद मुतबा से सूरत नूर छप्पन में वादा फरमाया हुआ आपके बाद खुलफा का मिर्ज़ा ग़लाम अल्साम के साथ पुमती नबी थे गुलाम नबी थे आसम की दीन इस्लाम की तदीद के तजदीद कर ली करने के लिए मबूस हुए थे कोई आपसे मिर्जा बस साहब से आपकी बात खिलाफत का कोई वादा नहीं अल्लाह ने फरमाया वसीयत पूरी पढ़ रहे हरत मिर्जा साहब साहब का तमाम इल्हामी कलाम देख लें कभी आपको वादा नहीं मिलेगा तो इसके बाद मैं सामिन को बताना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा ग़लम साहब पर जो इमामी कलाम नाजुल हुआ या वही नाजुल हुई उसकी हकीकत क्या है उसकी हकानियत क्या है इसके मुतिक मैं चंद बातें आप लोगों के आगे करूँगा पहला तो ये मंजूर फारसी मंजूम फ़ारसी कलाम है जो मिर्ज़ा ग़ुल साहब ने लिखा है ये इसका हवाला है रूहानी हजैन जल्द अठारह सफ़ाद चार सौ सतर था चार सौ अठहत्तर ये नजूरमसी किताब है हज़बा की इसका तर्ज़मा जो है फ़ारसी केशार हैं उसका हर डॉक्टर मीर मोहम्मद इसमाही साहब ने तर्ज़मा किया हुआ है वो फरमाते हैं मैं वक्त बचाने के लिए असल फ़ारसी के अशार नहीं पढ़ूँगा सिर्फ़ उनका तरजमा जो मीर मोहम्मद इसमाइल जो डॉक्टर थे उन्होंने किया वो मैं पढ़कर सुनाता हूँ आप लोगों के आगे हरत मिर्ज़ा साहब हम लिखते हैं अपने अशार में पहला शेर इस है कि वो फरमाते हैं फारसी का शेर है तरजमा इस है इसका कि जो कुछ खुदा की वही से मैं सुनता हूँ खुदा की कसम मैं उसे गलती से पाक समझता हूँ यानी मिर्ज़ा उल्लासम अपनी वही इलाम के मतलब बता रहे हैं आप लोग दुनिया को या अपने मानने वालों को या बरनो इंसान को दूसरा शेर इस है कि मैं उसे कुरान की तरह गलतियों से पाक जानता हूँ और यही मेरा ईमान है तीसरा शेर इस है कि खुदा की कसम ये खुदा का कलाम है और वो खुदा कदूस और बुज़ुर्ग और बहल खुदा के मुँह से निकला हुआ है चौथा शेर जो है उसका तरन्मा इस है वो यकीन जो ईसा आसम को उस कलाम पर था जो उस पर नाजिल हुआ और अगला पाँचवा शेर और वो यकीन जो मूसा सम को तोैद पर था और वो यकीन जो सईदालमसलिन सल्लाम को हासिल था आखिरी शेर है मैं यकीन के मामला में उनमें से किसी से कम नहीं हूँ जो झूठ बोलता है वो लानती है यानी हरत मिर्ज़ा गुलाम सम की बही और आपका जब मुबर अल्लामी कलाम है या दूसरी बही है जो आप पर नाजुरी हुई उसकी हकानियत का क्या है ये ख़ुद मिर्ज़ा साहब ने फरमाया हुआ है दूसरा मैं हवाला आप लोगों को पढ़ कर सुनाता हूँ ये तजल्दयात इलाहिया है रूहानी हसैन जिल्द बीस सफ़ा चार सौ बारह आप लम अपने बही अपने मकालमा मुखातबा से के हवाले से फरमाते हैं और ये मुकालमा इलाहिया जो मुझसे होता है यकीनी है अगर मैं एक दम के लिए भी इसमें शक करूँ तो काफिर हो जाऊँ और मेरी आखर तबाह हो जाए वो कलाम जो मेरे पर नाजिल हुआ यकीनी और कतई है और जैसा कि आफ्ताब और इसकी रोशनी को देख कर कोई शक नहीं कर सकता कि ये आफ्ताब और ये इसकी रोशनी है ऐसा ही मैं इस कलाम में भी शक नहीं कर सकता जो खुदा तला की तरफ से मेरे पर नाजल होता है और मैं इस पर ऐसा ही ईमान लाता हूँ जैसा कि खुदा की किताब पर यह तो मुमकिन है कि कलाम इलाही के मानी करने में बाद मौक़े में एक वक्त तक मुझसे ख़ता हो जाए मगर ये मुमकिन नहीं कि मैं शक करूँ कि वो खुदा का कलाम नहीं बतौर ख़ास मैं मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से मैं कहता हूँ जिनके सवालों का अब मैं जब जवाब दूँगा आज अपने इस लेक्चर में आज का जो लेक्चर है इसका नंबर है हंड्रेड फोर्टी वन एक सौ इकतालीस तो मैं उनसे भी कहूँगा और आम एम पी जो भी मेरा लेक्चर सुनूँ सबसे कहूँगा कि देखें मिर्ज़ा साहब ने लिख अपने बही के लिखा है कि उसकी हकानियत कितनी उनके नज़दीक थी वो सच्चा कलाम था जो उन पर नाजिल हुआ किसा हवाला भी सुन लीजिए ये जो इसका हवाला है रूहानी हजाइन जल्द पांच आयना कमालत इस्लाम सफ़ा इक्कीस ये अरबी अल्फाज हैं उसका जरमा किया हुआ है आदिानी जमात के जो हैं वो इस तरह है कि आप ऐसा फरमाते हैं अगर मेरी बही कुरान के ख़िलाफ़ हो तो मैं इसे थू की तरह फेंक दूँ मकसद ये कि जो मिर्ज़ा ऊँस पर बही नाजर हुई वो सच है और हर मिर्ज़ा गुलाम लम का उस पर इतना ही ईमान था जिस कि कुरान करीम के वही पर ईमान होता है और ख़ुद आपने फरमा दिया कि अगर मैं ये वही जो मेरे पर नाजल होती है कुरान के ख़िलाफ़ अगर होती तो मैं थूक की तरह से फेंक देता इसका मतलब ये है कि जो मिर्ज़ा गुलाम सम पर वही नाजिल हुई वो बिल्कुल कुरान की वही की अतबा में नाजुल हुई उसकी सुनत में नाजिल हुई चौथा हवाला भी सुन लीजिए ये इस्लाम आपसल की किताब है रूहानी हजैन जल्द नौ सफ़ा इकानवे पर के अल्फाज हैं आपल्लम फ़रमाते हैं ये याद रखना चाहिए कि हर एक इ्हाम के लिए वह सुनत बतौर इमाम और महिमन और पेश रओ के है जो क़ुरान में वर्द हो चुकी है और मुमकिन नहीं कि कोई इ्हाम इस सुनत को तोड़कर जहूर में आवे क्योंकि इससे पाक नबिशतों का बातल होना लाजम आता है इसका ये जो आपने उनके अल्फाज हैं मिर्जा वसम को मैंने पढ़ दिए हैं इसका मतलब ये है कि हर मिर्जा मिर्ज़ासम पर जो इल्हाम और वही नाजुल हुई हम उन उस वही को उस इल्हाम को क़ुरान करीम में जो अल्लाह ने सुनत अख्तियार की है उसकी रोशनी में हम उसको देखेंगे तो आगे बात करने से पहले मैं ज़िमनी सी बात कर देता हूँ कि देखें कुरान करीम की वही से पता मिलता है कि अल्लाह ने जब किसी नबी को किसी मृसर को किसी ग़ुलाम की बशारत दी जब बशारत दी तो वो ग़ुलाम जिसकी बशारत ला दे रहा था वो उसके घर में मौजूद नहीं था वो पैदा ही नहीं हुआ था बशारत के बाद जिस ग़ुलाम की खबर दी गई थी वो बाद में पैदा हुआ बशारत के वक्त वो दुनिया में नहीं था हरत इब्राहिम साहब को हलीम ग़ुलाम की बशारत हुई अलीम ग़ुलाम की बशारत हुई हलीम ग़ुलाम मीज़ हरत इस्माइल ईसाम और मुराद हरत इसम कुरानी करीम में जिक्र मिलता है जब बशारतें हुई थी तो थी ये दोनों गुलाम हज इब्राहिम साम के घर में मौजूद नहीं थे पैदा ही नहीं हुए थे इस तरह यकूब असलम बतौर पोता मिलता है हज इब्राहिम साम को इसका भी जब बशारत होती है तो उस वक़्त दुनिया में कोई वजूद नहीं था बशारत के बाद ही पैदा हुआ इसी तरह मैं एक और मिसाल देता हूँ कुर करीम से कि हज़िक इसम को एक ग़ुलाम की बिशारत दी याहिजा की जब बशारत हुईरत ईसम को या की तो उसकी या दुनिया में नहीं मौजूद था बशारत के बाद पैदा हुआ था इसी तरह मूसी सिलसिले की जो सदी का खातून है मरीम हजरत मरीम जिसका सूरत मरीम में ज़िक्र मिलता है और भी कुरान करीम की सूरत में उसका जिक्र मिलता है सूरत मरीम का तो नाम ही उसके नाम पर है तो उसको भी एकक़ी गलाम के रन बशारत दी थी पूरा तो शुरू में ही सूरत मरीम में ज़िक्र मिलता है जब फरिश्ता ने कहा कि आए मरीम तो जय अल्ला एक झक़लम की बशारत देता है तो वो मौसी मरीम उस फरिश्ता से कहती हैं कि ना मैं शादीशुदा शुदा हूँ ना मैं बदकार हूँ मेरे जकी गलाम कैसे हो जाएगा इसका मतलब ये है कि जब वो फरिश्ता ने बशारत दी थी उसको जकी गलम की तो उस वक्त उसके पास जकी गलम नहीं था अगर होता उसके घर में होता या उसकी गोद में होता तो वो क्यों कहती कि मैं ना शादीशुदा हूँ ना मैं बदकार हूँ मेरे कैसे गुलाम हो गया होगा इसका मतलब ये है कि उसकी जो बा, बातचीत हुई हज अलसाम से फरिश्ता की तो तीन चार पाँच आयातें शुरू में पढ़ें देखें तो वहाँ पर वो मिलता है कि ना वो शादीशुदा थी ना वो बदकार थी लेकिन अल्लाह ने अल्लाह के फरिश्ते ने उसको ख़बर दी जकी ग़ुलाम की और ये ज़की फिर बाद में पैदा हुआ हालांकि उसकी तो शादी नहीं हुई थी लेकिन अल्लाह ने अपनी कोनफ़ा या खून की ताकतों के साथ उस सकेम को उसके घर में पैदा किया तो ये ज़मनी सी बातें थी तो इसी सुन्नत या तरीक़ा है जैसे मिर्ज़ा साहब का मैं अभी मैंने हवाला पढ़ा है आप अलसा फरमाती हैं ये याद रखना चाहिए कि हर एक इल्हाम के लिए वो वह सुनत तो बतौर इमाम और महिमन और पेशाओगी है जो कुरान में वारद हो चुकी है और मुमकिन नहीं कि कोई इल्हाम इस सुनत को तोड़कर जहूर में आवे क्योंकि इससे पाक व रिश्तों का बातल होना लाजम आता है तो ये तो हरत मिर्ज़ा ऊलाम की बही के हवाले से बातें थी तो अब मैं चंद बातें आप लोगों के आगे हरत मिर्जा साम की जो पेश गोईयाँ हैं उनके हवाले से या उनकी नसाये या उनके इशादात के हवाले से बातें करना चाहता हूँ तो आपसा फरमाती हैं पेशग गोईयों के हवाले से ये अयाम सलो आपकी किताब है रूहानजैन जल चौदह सफ़र दो सौ छिहत्तर आप फरमाते हैं पेशों के हवाले से दरअसल बात यह है कि बसा अवत और दूसरे पर ऐसे अमूर ज़ाहिर किए जाते हैं कि वो असरार के रंग में होते हैं और अंबिया उनको इसी तरह लोगों पर ज़ाहिर कर देते हैं जिस तरह वो सुनते या देखते हैं और ऐसा बयान करना गलती में दाखिल नहीं होता क्योंकि इसी रंग और तरज से बही नाजल होती है और यह भी जरूरी नहीं होता कि इामी और कशफ़ी पेशगोईियों के तमाम इस्तारात का नबी को इल्म दिया जाए क्योंकि उसकी वजह बताते हैं आगे फिर मीरा साहब क्योंकि बाज इब्तला जो पेशगोईियों के ज़रिया से किसी ज़माना के लिए मुकद्र होते हैं वो इल्म की अशात की वजह से कैम नहीं रह सकते मतलब कि अगर लल्ला तला उस नबी को बता दें तो पेशगोई की हकीकत भी बता दे तो और वो नबी आगे जाहिर है अपने मानने वालों को दुनिया को बता देगा तो फिर वो जो आज़माश करना चाहता है अल्लाह ताला का अल्लाह ताला अपने बरजदा नबी की मानने वालों की तो वो नहीं फिर हो सकती क्योंकि बात तो खुल गई इसलिए मेरा सा फरमाते हैं और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि इलामी और कशफी पेशगोई के तमाम इस्तारा का नबी को इलम दिया जाए क्योंकि बाज़ इब्तला जो पेशगोई के ज़रिया से किसी ज़माना के लिए मुकद्र होते हैं वो इलम की अशात की वजह से कायम नहीं रह सकते और ये भी मुमकिन है कि पेशगोई के बाद इसरार से नबियों को इतरा दी जाए मगर उनको इन इसरार के अफशात से मना किया जाए बहरहाल ये अमूर नब्बत की शान से हरगज़ मुनाफी नहीं है क्योंकि कामिल और गैर महदूद इलम अल्लाह ताली की खुदा तला की जात से ख़ास है तो बड़े सिंपल से अल्फाज हैं मेरे खास मेरे सामिन को समझ आ गई होगी इन अल्फाज की भी और मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को भी समझ आ गई होगी कि मिर्ज़ा साहब अपने इस इबारत में अपने हवाले से क्या फरमा रहे थे दूसरा हवाला भी सुन लीजिए यह हम किताब है बड़ी मशहूर किताब हरत मिर्ज़ा गुलाम ऊसम की रूहानी खजान जेल तीन सफ़ा एक सौ तैतीस और एक सौ चौंतीस पर ये अल्फाज हैं आप फरमाते हैं और ये भी रखना और ये भी याद रखना रखने के लायक है कि ख्वा की गोई में बाज़ अमूर का एफ्फा और बाज़ का इजहार होता है और ऐसा होना शाजो नाज़र है कि मिन मन कुलजू इजहार ही हो क्योंकि पेशवोइयों में हर तबारी ताला के इरादा में एक किस्म की खलकल्ला की आजमाइश भी मंजूर होती है और अक्सर पेशगयाँ इस ऐद का मस्दाक होती हैं कि युजिल्लो बेही कसीर बहदी बेही कसरो इसी वजह से हमेशा जहर प्रस्त लोग इम्तहान में पढ़ कर पेशवोई के ूर के वक्त दुखा खा जाते हैं जिस तरह कि आज कादियानीानी और लाहौरी जमात धोखा खा के बैठी हुई है पेश गोई जो चिल्ला होशियारपुर में मिर्जा गुलनाजर हुई थी तो एक सबूत मैं आप लोगों को दे रहा हूँ फिर मैं पढ़ता हूँ हज़ा फरमाते हैं इसी वजह से हमेशा ज़ाहिर पस लोग इम्तहान में पढ़ कर पेश गई के ूर के, के वक्त धोखा खा जाती हैं और ज़्यादातर इनकार करने वाले और हकीकत मकसदा से बेनसीब रहने वाले वही लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि सिर्फ़ पेशवई का ज़ाहिर पर हो कि पेशवोई का जाहिर तौर पर जैसा कि समझा गया हो पूरा हो जाए हालांकि ऐसा हरगज़ नहीं होता मैं मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से भी कहूँगा बाकी अहमदी बहन भाई और बुज़ुर्ग हैं सब से मैं कहूँगा कि मिर्ज़ा मिर्ज़ाला वसम की पेशोगियों के बारे में ये नसाएँ हैं इशादात हैं इनको पल्ले बांधो इससे फ़ायदा उठाओ अब देखे ना मिर्ज़ालाम वकीम की पेशगो नाजोल नशा रमद की चलो होशियारपुर में वो सारी ज़िंदगी वो उसको जक़ी ऊलम को अपनी उलाद में ढूँढते रहे मैं बाहर अपने लेक्चरों में खुतबात में और अपने मजामी में जिक्र किया हुआ है क्या क्या होता रहा फिर जबकि वो मऊद नशान रहमत या माऊ जकी तो उनका कोई जिसमानी लड़का था ही नहीं मैं इसके लिए वो उनका जो मुबर इलामी कलाम जो उन पर नाजर हुआ वो पेश करता हूँ और कुरान करीम इसकी तस्दीक करता है कि जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ वो तो पैदा ही नहीं हुआ उनके घर में अल्लाह ने बतौर लड़का नहीं दिया अब पूरी जमात पीछे लगी हुई है कि जी नहीं मिर्जा साहब के तो लड़कों में उसको बनाना है खुदा का खौफ करो अल्लाह के अजाब से बचो और ये जो तुम करते फिर आपको तुम्हारी नुकसानी नहीं बातियाँ नहीं हैं तुम्हारा इस तरह जहन ब्रेन वाश कर दिया गया है और मफलूज कर दिया गया है कि तुम इससे बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं मिर्जा साहब की औलाद से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हालांकि औलाद की, की करतूत देख ली हैं आपने लुकमान क्या करता रहा है अपनी बेटी के साथ ये मिर्जा लुकमान कौन है मिर्ज़ा गुलाम असाम का तुख है ये एक और हवाला पढ़ता हूँ ये ये भी अजाला व हम का ही हवाला है रूहानी गजान जेल रूहानिकन सौ दस आप फरमाते हैं ऐसा ही आपने यानी आ वो आपने से मुराद आसम ने उम्मत के समझाने के लिए बाज़ पेशगोइयों के समझने में ख़ुद अपना गलती खाना भी ज़ाहिर फरमाया अब क्या ये तालीम नबी काफ़ी नहीं और क्या ये तालीम बा बुलंद नहीं बतला रही कि पेशगोइयों पर अजमाली तौर पर ईमान लाओ और इनकी असल हकीकत हवाले हवाला बाखुदा करो अमते महमदिया में तफरका मत डालो और तकबा का तरीक़ा अख्तियार करो मैं अहमदी बहनों भाइयों और बुज़ुर्गों से कहूँगा कि मिर्ज़ाबल की नशाएँ जो पेशगोई के बारे हैं इसको पहले बाँधो अगर आप लोगों ने आज से पहले इनसे फ़ायदा नहीं उठाया तो अब उठाओ और जमाती अहमदी कादियान में क्या हुआ या मिरा साहब की जमात में क्या हुआ कि नहीं मिरा साहब के मानने वाले यानी नहीं बशुद्दी मौ पर ठोकते फिर पेशगी को ठोकते फिर रहे हैं जबकि उसने दावा ही नहीं किया अभी यही ये, ये मिरा साहब अलसाम की मेरा साहब फरमाते हैं पेशगी माली तौर पर, पर मान लाओ और उनकी असल अकी हवाला बाखुदा करो कि अहमदी क्या करते रहे आज तक कि अभी एक बंदे ने दावा ही नहीं किया जबकि वो था ही नहीं जी ऊलान तो था ही नहीं अल्लाह ने बतौर लड़का तो दिया ही नहीं मेरा साहब साहब को साहब का वही और मुबिर आहलाब इस पर मोर तस्दीक सब्त कर रहा है जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ कुरान इसकी तस्दीक करता है वो दिया ही नहीं अल्लाह ने और एक लड़का है ना खललफ लड़का मैं मिर्जा सब का कहूँ का उसको उसके बड़े ख़तरनाक किरादे थे उसने जमात पर कब्ज़ा किया उन्नीस सौ में तैयारी पहले की हुई थी फिर बाद में फिर देखता रहा तीस साल लोगों का इस पेश की हुई जो चिल्लाश में नजर हुई थी इसके मतलब लोगों का क्या ख्याल है फिर उन्नीस सौ में एक शैतान की आंत की तरह ख्वाब देख के उसके ऊपर दावा खड़का दिया लेकिन लोगों का ये ज़हनी हाल था अहमदियों का कि उसके दावत से पहले उसको इस पेशको का मिस्ताक बनाते फिर रहे हैं उस पर लगाते फिर रहे हैं यार ये मिर्जा साहब की तालीम पर अमल था तुम्हारा तुमने मिर्जा साहब की तालीम पर अमल किया था इस पेशको के हवाले से फिर मैं कहता हूँ मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं पेश पर अजमाली तौर पर ईमान लाओ और उनकी असल हकीकत हवाले बाखुदा करो तुम ठोकते फिर रहते जबकि एक बंदे ने दावा ही नहीं किया ये अलग बात है कि मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी उस इस जकी ओलाम को अपनी औलाद में ढूंढते रहे ढूंढना को गुन नहीं लेकिन अल्लाह ने नहीं दिया उनको आखिरी लड़का मिर्जा गुलाम साहब का चौदह जून अठारह सौ निन्यानवे को पैदा हुआ मिर्जा मुबारक अमद उसके बाद आठ नौ इ्मामी बशारतें झकी ऊलॉम और उसके दीगर सिफाती नामों के साथ मिर्ज़ा ग़लम उस फरमाई, लेकिन कोई लड़का नहीं दिया आपको समझ नहीं आ रही कि ये लड़के था ही नहीं लड़के होने तो बंद हो गए चौदह जून अठारह सौ नानवे को अहमी बशारतें उसकी जा रिंग हैं की और उसके दीगर सिफाती नामों के साथ कभी नाफला महूद है कभी ऐसा ग़लम जो हक और अल्लाह का मज़र होगा कभी जक़ी ऊलम यानी वही थे जो जिनका चिल्ला होशियारपुर की मुफसल इलामी पेशगोई में जिक्र है वही उन्हीं सिफात के साथ वो इलाम होते रहे तो आपको खौफ करना चाहिए कि इन लोगों ने क्या किया हुआ है मिर्ज़ा ऊलान साहब की इस इलामी पेशगोई के साथ और बतौर ख़ास मैं मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से कहूँगा कि तकबा से काम लोग बार बार सलाम सवाल करते जानना को, को फ़ायदा नहीं एक बनाए तुम्हें बताते ही है कि मिर्ज़ा गुलाम ऊम का इल्हामी कलाम इस पर मुहर तस्दीक सबद करता है कुरान करीम इसकी तस्दीक करता है कि वो मौद लड़का वो मौसले मऊद वो निशान रहमत अल्लाह तारा ने मिर्जा गुलाम साहब को बतौर इसमानी लड़का नहीं दिया तो मान लो इसको यार देना ना देना अल्लाह का काम है ये तुम्हारा काम है ये अल्लाह के फैसले हैं कि तुम्हारे फैसले हैं जब के फैसले हैं कोई पेशगोई किसी नाजर पर किसी इंसान पर नाजर होती है बस मैं आप मिसाल देता हूँ कि हाँ पर बड़ी पेशगोयाँ नाजर हुई हैं उन उम्मत के आगे बयान फरमा दिया इसका एक इबन मरीम की पेश गुई भी है लंबा है सवाल है कि बुखारी किताब लम्बिया बाब नजूल ईसा इबन मरीम हदीकत व सालिन सफ़ा अठस आठ आथ सौ निन्यानवे पर भी पेश गुई है जिसमें मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ मिसाल के तौर तो पर आनसन फरमाते हैं हजरत अबू हराय रजी अल्लाह तन बयान करते हैं कि आसन ने फरमाया कसम जात पा की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है अन करीब तुम में इब मरीम नाजल होंगे आदिल हकुम होंगे वो सलीब को तोड़ेंगे खनजीर को कतल करेंगे वगैरह वगैरह लड़ाई को ख़त्म करेंगे मैं आगे नहीं पढ़ता वक़्त बचाता हूँ आगे वो अबू हुरैरा पढ़ते हैं अगर तुम चाहो तो ये ऐतबा अहल किताब ला, ला योमिन बी कबला मौत ही बोमल क्यामत जगून अलहम शहीदा पढ़ कर इससे समझ सकती हो कि अहल किताब में से कोई नहीं मगर वो अपनी मौत से पहले इस मसीह पर ईमान लाएगा और वह क़्यामत एकदम उन पर गवाह होगा यानी ये तो आसम की बातें हैं आसम ने तो जैसे अल्लाह की तरफ से उनको ख़बर मिली उम्मत के आगे बयान फरमा दी ये इबन मरीम कौन है इसका फ़ैसला ना मम्म ने करना था ना उम्मत पूरी ने इकट्ठी होकर करना है इसका फैसला अल्लाह ने करना है लेकिन उम्मत का क्या हाल है वो पहले मूसि मरीम ये इबिन मरीम तो उस पर लगा के बैठ गई इस पेशगोई को और जमात आहमदिया में क्या हुआ कि मिर्ज़ा उलमसम ने फरमाया है कि वो भी मऊद मसीह इस इबिन मरियम हैं मैं आप लोगों को बारह हाँ बता चुका हूँ इस लेक्चर में बता देता हूँ कि मिर्ज़ा गुलाम ग़लाम तमाम नबियों के ल थे तमाम नबियों में हरत मसीह सब मरीम मरियम भी आते हैं तो उसके भी वो ल थे इस लिहाज से ठीक है लेकिन वो जो कतई पेशगुए अभी जिसका मैंने जिक्र किया है आँस में फरमाया कि उस ज़ात पाक की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है अनकरीब तुम तो मैं इबिन मरीम नाज होंगे ये इबन मरीम मिर्ज़ा गुलाम सम नहीं थे ये वो वजूद है वो माउद निशानी रहमत है वो वह माऊद ़लाम है जिसकी चिल्ला होशियारपुर में मिर्ज़ा ऊँम इसम को मरियमी रूहानी मकाम व मरतबा पर आपको बिशार दी गई थी मैं अक्सर कहा करता हूँ आप महमदी तो मरीम मोहमदी मरियम मरियम। तो ये वो वजूद है इबिनी मरियम, जिसकी आंसम ने खबर दी है इसके मस्ताक मिर्जा सब नहीं थे तो जमात ने जनाब वो मिज़ासम को मसीह मौत का दावा पकड़ के मादी पकड़ के सारा कुछ ही खत्म कर दिया भाई नहीं बस अल्लाह फैसला सारी खिलाफत चल रही है जबकि खिलाफत दबा नहीं किया मिर्जा सलाम के साथ अल्लाह तौर ने क्योंकि आप साहब शरीत नबी नहीं थे घुमती थे ग़ुलाम नबी थे आसन की दिन इस्लाम की तजीद के लिए आप मामूर हुए थे ज़बरदस्त आपने तजदीद की है लेकिन अजीब बात है मैं कह देता हूँ लोगों को कि तेरह सौ साल में मौलवियों ने या नफसानी जो मुसलमान थे उन्होंने इस्लाम का बेड़ा गर्क इतना नहीं किया जितना मिर्जा गुलाम साहब की जिसमानी औलाद ने उनकी अहमदियत का बेड़ा गर्क कर दिया इस्लाम का बेड़ा गर्क कर दिया सौ साल में ये मैं मैं चैलेंज देता हूँ कि आयम कादियानी मौलवी और लाहौरी मौलवी मेरे आगे मैं साबित करके दिखाऊँगा कि इन लोगों ने यही काम किया है तो बात यह है कि कोई पेशगी कोई नबी बयान करता है उसके फैसला तो अल्लाह ने करना है किस रंग में उसने उसको पूरा करना है तो जनाब जमात के लोग वो बशीरद्दीन मौत पर ठोकते फिर रहे हैं यही अभी दावा ही नहीं किया उसने वो देख रहा है लोगों को भी लोगों को क्या ख्याल है इस पेश के बारे में तीस साल के बाद उसने ये काम किया दहल किया फिर अल्लाह ने दस साल के बाद पकड़ा उसको मस्जिद मुबारक में नमाज असर के बाद अल्लाह ने फिर उस बतिन को क़ता किया जैसा कि सूरत हाका में अल्लाह ने फरमाया हुआ कि जो भी मेरे पर इफ्तरा करेगा बांधेगा झूठे इलाम बनाएगा वो अल्लाह ने मुझे पर नाज नहीं है तो मैं उसको दाएं हाथ से पकड़ कर उसकी रगे जान को काट दूंगा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की 10 मार्च उन्नीस सौ चौवन को मस्जिद मबाक रबा में फिर रगे जान काटी है अल्लाह ने चौधरी मोहम्मद जफ्फुल्ला खान साहब की किताब गवाई इस पर इसके हवाले मौजूद नुलाम डॉट कॉम पर तो मैं कह रहा था मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से भी कहता हूँ पूरे एम पी ओ को कहता हूँ कि देखें ये मिर्जा गुलाम साहब पर यह पेशगुई नाजिल हुई थी अल्लाह का फसल था उन पर उनको सुन लिया अल्लाह ने उन पर यह पेशग नाजिल फरमा दी असल में बारह मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिस नजूल मसीब ने मरीम का आसम ने अपनी उम्मत को वादा किया हुआ है दरअसल चिल्ला होशियारपुर में वही आसम की पेशगोई दुराई गई थी हज़ मिर्जा ग़ुला पर नाजल फरमा कर पहले आप को अल्लाह मोहम्मदी मरीम का मकाम मरतबा दिया फिर ये इसको जकी ऊलाम की बिशारत दिया आपको ये वही मौद मसीह सब मरियम है जिसकी आसम ने अपनी उम्म को ख़बर दी हुई है वह मिर्जा गुलाम सब नहीं थे वो हाँ आप भी अपने वक्त के मसीह सबरी थे जैसे कि तमाम नबियों के आप जिल थे वो मसीह सबरीम भी थे लेकिन इस पेशवी के मिदाक वो नहीं है वो वो वजूद है जिसको जिसकी खबर आप को चिल्ला होशियारपुर में मिली थी यानी मैं तुझे एक रहमत का निशान देता हूँ उसी के मौक तूने मुझसे मांगा ये रहमत का निशान इस असम की पेशवी का मददाग है जैसे कि अल्लाह फमहता आग जाल के सो तुझे बशारत हो कि एक बजी और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा एक जकी ग़ुलाम तुझे मिलेगा जकी ग़ुलाम के आगे मलहम ब्रैकेट में लड़का लिखता है यह भी उनकी इतिहादी गलती है क्योंकि वो लड़का तो था ही नहीं यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम ाम की औलाद का है इनकता पैदा होने का चौदह जून अठारह सौ निन्यानवे को आखिरी बच्चा पैदा होकर ख़त्म हो गया इस जकी ग़ुलाम की जकी ग़ुलाम जकी के सिफत के साथ और बा, बाकी दीगर सफाती नामों के साथ छः सात नवंबर उन्नीस सौ सात तक मिर्ज़ा ग़लाम सब पर इलाम बबशर नाजल होता रहा लड़का लड़का तो था ही नहीं तो छोड़ो इस बात को अपनी अपनी आखबत दुरुस्त करो ठीक करो जिन लोगों को तुम बना के बैठे हुए मुझसे ये तो बदकार लोग हैं मैं दुख से ये बातें कह रहा हूँ मिर्जा ऊलाम सलम की औलाद है वो मेरी आका थे मैंने जो कुछ भी पाया आसम की बरकत और मिर्जा ़ल की महमदी मरी की दुआ के नतीजे में मुझे खब मिला सबसे बड़ा फल तो अल्लाह का है इस आजिज़ पर यतीम बच्चे पर लेकिन मोहम्मदी मरीम की दुआ का नतीजा अल्लाह ने मुझे बनाया है लेकिन इसके बावजूद ये हकीकत सच है इसमें कोई झूठ नहीं कि मिर्ज़ा ग़ुल की औलाद बदकार थी वो तो रूहानी लोग ही नहीं है ये तो मिर्जा बशीरुद्दीन मामूल पर जितने भी इल्ज़ाम लगे किताबें लिखी हुई हैं शहरे सा दूम है रबक का राजपूट सारे सारे अब सबत हो गया कि मिर्ज़ा लुकमान ने जो काम किया अपनी बेटी नदा नसर के साथ इसके बाद अभी भी कुछ हक है आहमदियों को कि मिर्ज़ा बशीद्दीन माउ पर जो अपनी बेटियों से जना के जो इल्ज़ाम लगाए थे उनकी बेटियों ने क्या वो सच्चे नहीं थे मिर्जा लकमान की बेटी आई दुआई देती फिर रही है कि मेरा बाप मेरे साथ जना करता रहा है इसी तरह मिर्जा बशीरुद्दीन माउन का ये गाम तो ये क़ुरबानी लोग हैं ये मजबी लोग हैं जिनको तुम खलीफे बना के मुस्लिम बनाकर बना बैठे हुए अल्लाह आप पर रहम फरमाए एक और हवाला पढ़ता हूँ उसके बाद फिर मैं मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के सवालों की तरफ आता हूँ हजूर साहब फरमाते हैं कि भाई अजा का रूहानिकल तीन सफ़ा एक सौ इकहत्तर अल्फाज हैं ये बातें पल्ले बांधने वाली हैं एम दियो तुमने मरना है साहब ने मैं भी मरना है ये तुम्हारे काम की बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसको पल्ले लो लोन बदकारों को पीछे ना चलो ये तुम्हें जान में ले जाएंगे हजूसा फरमाती हैं और पेशग के बारे में ये ज़रूरी नहीं कि वह ज़रूर अपनी जहरी सूरत में ही पूरी हो बल्कि अक्सर पेशगोई में ऐसे असरार पशिदा होते हैं कि कब्बल ज़हूर पेश गई खुद अंबिया को ही जिन पर वो वही नाज़ल हो समझ में नहीं आ सकते चे जाए के दूसरे लोग उनको यकीनी तौर पर समझ लें इसकी बड़ी 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 मिसाल चिल्ला पर शारपुर में नाजल होने वाली बो मशाह रामद की पेश हुई है जो महम जिस पर नाजल हुई थी तो उसको ही समझ नहीं आई सारी ज़िंदगी वो अपनी औलाद में ढूंढता रहा बंदे को इन जक़ी ऊलम को झक़ी ऊलम उनको लड़का दुखा ही नहीं जब मिर्जा अलसम को समझ में नहीं आ सकी सारी ज़िंदगी वो ढूंढते रहे दिया ही नहीं तो जनाब जमात पूरी कट्ठी होकर भी ये लगाती है उसको कैसे समझ आ गई इसकी पेशगोई की सब दजल फरेब थे मौलियों ने कमाए और जूठे यही ख्वाहिश थी मिज़ा बशदी महमूद और उसके जानशीनों की कि हम पर ये पेश लगाई जाएँ तो वो लगानी शुरू कर दी उन्होंने दुनिया कमाते रहे ना आखिर तबाह कर ली अपनी आगे हूसों फरमाते हैं देखो जिस हालत में हमारे सैयद ये मौला आप इस बात का इकरार करते हों कि बाद पेशगियों को मैं किसी और सूद तो तो पर समझा और जहूर उनका किसी और सूद पर हुआ तो फिर दूसरे लोग गो फर्ज के तौर पर सारी उम्मत ही क्यों हो कब ऐसा दावा कर सकते हैं कि हमारी समझ में गलती नहीं यही बात मैं इल्हमी पेशगुई मुस्लिम मौल या इलामी पेशगई मौल निशान रहमत या इल्मी पेशगुई मऊ जकी उलवााम केवाले से करता हूँ और जिस बात की जिस पेशगी को मिरासव को समझ आई पूरी जमात उठ के उसको ठोकती फिर बशीरद्दीन महमूद पर उसके दावा से ही पहले ये तुम मिर्जा साहब की तलीम पर अमल कर रहे थे या अब तक कर रहे हो नाम के आम दियो तुम सब लोग अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाओ ये तुम्हें जहन्नम लेके जा रहे हैं ये जिनको तुम खलीफे बना के बैठे हुए जबकि मिर्जा साहब वम से तो अल्लाह ने कोई ऐसा वादे नहीं किया खिलाफत गुरहत का ना वो साहिब नबी थे आगे हजूसा फरमाते हैं सल साले हमेशा इस तरीक को पसंद करते रहे हैं कि बतौर अजमाली पेशवी पर ईमान लें और उसकी तफसील या इस बात को कि वो किस तौर से जहूर पजीर होगी हवाला बाखुदा करें अब समझना चाहिए कि जबकि पेशवियों के, के समझने में के बारे में ख़ुद अम्बिया से इम्कान गलती है तो फिर उम्मत का कोरोना इतफ़ाक़ या अजमा क्या चीज़ है पूरी जमात उठ के बातिफ है मिर्जा बीज महमूद को मुस्लिम महद व खुद झूठे धावे करके अपनी शहर लग कटवाता फिर तो इससे वो मुस्लिम महद तो नहीं बन जाता क्योंकि मुझसे मौत जकी ऊलाम निशान बनाना अल्लाह का काम है अल्लाह ने उसको इस पेशवी को का को खुद बताना है कि ये कौन है तो अलहमद अल्लाह तारा तो ने यह फजल और एहसान का किस्मत का इस वाली किस्मत में कर दिया जिसने कभी ज़िंदगी में ना उसके बाप ने कभी सोचा भी नहीं था इस किस्म का बात बड़ा दुआ वो बुज़ुर्ग था मेरा वारिस है मैं तो छः महीने का था जब वो फौत हो गए तो उसने भी कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा हाँ दुआ बड़ी करते थे अपनी औलाद के लिए ज़ाहिर के कि के लिए भी मुसलमानों के लिए भी दुआएँ करते होंगे बड़ा यानी गैर लोग जो उसके मुखालत थे वो बताते हैं मुझे मैं तो छः महीने का जब वो फौत हो गए थे कि बहुत दुआ गो बुजुर्ग इंसान था उसने भी दुआएँ की अपनी औलाद के लिए की और एम जी यू के लिए भी करती होंगे और मुसलमानों के लिए करते होंगे तो अल्लाह ने ये चिल्ला होशियारपुर में नाजु होने वाले पेश हुई है मौन निशान रहमत या मउक़ी मसी उजमा या मौ मुसल की अल्लाह ने उस बज़ुर्ग बाप यानी चौधरी शेर मोहम्मद जम्बा साहब के इस यतीम बच्चे के किस्मत में कर दी उसको बनाया है। इसका मिस्ताक इस मिस्ताक बनाना तो अल्लाह का काम है लोगों का काम थोड़ा कि मिलजुल के पिकनों ठोकते फिरें अल्लाह आप पर रहम फरमाए अब मैं आता हूँ जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के सवालत की तरफ जो उन्होंने खत लिखा है पहले मैं उनको ये बता देता हूँ कि मैंने वो जो आपने वो हवाले ई मेल में बताए हैं नूरुद्दीन हयात नूर के वो सारे लिखे ना मेरे हाथ में हैं वो मैंने सारे पढ़ लिए हैं तो ये ऐसी बात नहीं कि मैं हवा में ये आपके सवालों के अब जवाब दूँगा अब सामिन सुने वो अपना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के साथ लिखते हैं अपना खत पहले मैं उनका सारा खत पढ़ूँगा फिर उसके बाद मैं वन बाई वन के जवाब दूँगा वो लिखते हैं अस्सलाम असलकम वरह वरक़ जनाब अब्दुल अब्बुल्फ़ार जम्बा उम्मीद है आप ठीक होंगे अल्फाज की गलती है मैंने वो दुरुस्त कर दी हैं आप ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि आप अल्लाह आप पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए जनाब हमारे लिए भी दुआ करें जनाब आपसे चंद सवाल और करने हैं हयात नूर में चंद बातें दर्ज हैं इनके मतलक सवालत हैं हवाला जात की तस्वीरें भी आपको भेजी हैं और उनको हाईलाइट भी कर दिया है सवालात आगे वो सवाल देखते हैं मैंने फिर ये दिखा दिया है उनको ये देखें आपके वो जो भेजे हुए हयात नूर के हैं। मैंने वो प्रिंट किए हैं मैंने पढ़ भी लिए हैं और मैं इसको आपको दिखा भी रहा हूँ कि ऐसे हूँ अब जो मैं बातें आपके सवालों को जवाब दूँगा हवा में नहीं दूँगा ये मैंने सब पढ़ लिया है पूरे हयात नूर मैंने वैसे पहले पढ़ी हुई है वो सवाल किस तरह लिखते हैं नंबर एक अल्लाह मुजदत को कैसे बताता बताते हैं कि वो मजदद है और क्या आज से पहले कोई मुजदद नहीं गुज़रा जिसको अल्लाह भई और इलाम के ज़रिए से मामूर करे इस सवाल की मुझे समझ नहीं आई कि आगे उन्होंने क्या लिख दिया है अल्लाह मुजद को कैसे बताता है कि वो है ये तो ठीक है इसका तो समझ आ रही है कि वो क्या पूछना चाहते हैं और आगे वो जो लिखते हैं इसकी समझ मुझे नहीं आई और क्या आज से पहले कोई मुजदद नहीं गुज़रा जिसको अल्लाह वही और इल्हाम के ज़रिए से मामूर करे इसकी समझ नहीं आई वो क्या कह रहे हैं मैं इसका जवाब बाद में दूंगा दूसरा सवाल उनका सुन लीजिए वो लिखते हैं हर्ष मसीह सामने भी पहला दावा मुजदीद का किया था क्या आपका दावा वही और इल्हाम पर मबनी था अगर था तो मुझे आप इसका हवाला दे दें मैं जवाब बाद में देता हूँ ये दूसरा सवाल है उनका तीसरा सवाल सुन लीजिए वो लिखते हैं हज़रत मसीह मौदाम ने कितने दावे किए है? हैं और कब यानी ब्रैकेट में लिखा है साल और कौन से दावे किए हैं तफसील बता दें दे। बाद में फिर मैं जवाब देता हूँ उनके चौथा सवाल उनका ये है हयात नूर में खलीफ़ा अव्वल ने खलीफा सानी को मुझसे मुद्द करार दिया है ब्रैक में लिखे हवाला आपको भेज दिया है ये जो ये बातें हैं उसकी मैंने दिखा दी हैं उसको भी और सामीन को भी तो ये चौथा सवाल था उनका पाँचवा सवाल वो इस तरह है कि हयात नूर में एक सहाबी का हल्फिया बयान है खलीफा सानी के बारे में क्या ये हल्फिया बयान खलीफा सानी के हक़ में निशान नहीं है ये सवाल है उनका जवाब मैं बाद में देता हूँ छठा सवाल इस तरह है कि जिंदा मजहब की निशानी होती है कि अल्लाह ताला इस मजहब के तकरीबन तमाम पैरोकारों के साथ कलाम करता है वही और इल्हाम करता है क्या आपकी जमात में ये चीज़ मौजूद है यानी मेरी जमात का वो पूछ रहे हैं क्या आपकी जमात में ये चीज़ मौजूद है और क्या आप ये बात हलफिया कह सकते हैं कि मेरी जमात में ऐसे लोग बड़ी तादाद में हैं ये सवाल है उनका जवाब बाद में मैं देता हूँ सा, सात सातवा और आखिरी सवाल उनका ये है कि बज़ दफ़ा मेरे दिल में आयात डाली जाती हैं और बज़ दफ़ा दिमाग में आयात आ जाती हैं और कुछ देर तक दिमाग में चलती रहती हैं और बज़ दफ़ा ज़बान पर कलमा जारी हो जाते हैं आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें कि ये किस चीज़ के अंडर आती हैं और उन्हें क्या कहा जाए ये उनका सवाल है बाल जवाब मैं बाद में दूंगा आखिर पे लिखते हैं कि मुद्दबाना गुजारिश है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सवाल का जवाब मोहतर अब्दुल्फाज जम्बा दे जजाकल्ला मोहम्मद अब्दुल्ला खान ये सत्रह अगस्त दो हज़ार तेईस को उनकी ई मेल मेरी तरफ़ आई थी तो मैं अब उनके सवाल पढ़ दिए हैं तो मैं अब सवाल भी पढ़ूँगा उनका और उसका जवाब भी मुख्तूँगा पहला सवाल इस तरह है कि अल्लाह मुजद को कैसे बताता है कि वो मुजद है और क्या आज से पहले कोई मुजद नहीं गुज़रा जिसको अल्लाह वही और इल्हाम के ज़रिया से ममूर करे मैं आपको बता देता हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब कि अल्लाह ताला हर सदी हिजरी के सर पर जिस मोमन को भी बतौर मुजद मबूस फरमाता है तो वही और अमाम के साथ ही उसको मबूस फरमाता है यानी अल्लाह किसी को बही ही ना करे और उसको बताए ही ना कि तू मुजद है सदी हिजरी का तो वो ख़ुद भी वो दावा करके बैठ जाए ऐसा नहीं होता सादक ऐसा काम नहीं करते अल्लाह के मोम बंदे मुद्की बंदे होते हैं जब अल्लाह उनको मामूर फरमाता है तो वो दावा करते हैं फिर अल्लाह तार की तरफ से मामूर होने का या मबूस होने का तो आपको समझ आ गई होगी कि अल्लाह तर मुजद को बहिम के साथ मामूर फरमाता है और उस पर खोल देता है सब बातें कि तू इस सदी हिजरी का मामूर है मुजदद है और अगर को वो मौल मुजद है यानी कुछ ऐसी आगे बजूद क्योंकि आसम ने एक तो बयान फरमाया हुआ है कि कि हर सदी हिजरी के सर पर अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए एक मबूस फरमाता रहेगा जो कि उसके दीन की तजदीद करेगा एक तो आम अमूमी हदीस है जैसे कि जैसे कि हाँ सब फ़रमाया इन ला याबाजमत रासिकम्ब आते सनत मई जदल्हा दी यानी हरत अबूर रजील तनों से ये रवायत है कि रसूल सल ने फ़रमाया कि अल्लाह अल्ला इस उम्मत के हर सदी के साथ पर एक शख्स को मबूस करेगा जो इसके दीन को की तजदीद करता रहेगा ये तो अमूमी बात है हर सदी हिजरी के साथ पर एक बात में ये फरमाई हुई है ये इब्ने अब्बास तआला अनहु से ये रिवायत है मैं पढ़ देता हूँ उसका इब्ने अब्बास रज़ी अनह मरफूआ मरफो अन का हल्लुका उम्मन अनाफ़ी अलह सब नो मरियम फिलफ़ी आखिर हा वमहदी वास हा कमज़ोलमाल सौ सतासी बट दो जामिया सगैी एक सौ चार बटा दो हदीकत साल ही उन्नीस सौ सतासठ का एडिशन सफा चार सौ दो पर यह हदीस थी आजकल जो नया एडिशन है इनका हदीकत साल उसमें यह हदीस को उन्होंने ख़त्म कर दिया नहीं मतलब वो हजफ कर दिए तो ये जो हदीस है इसका तरमा ऐसा है कि हर अपने अब्बास रजील तन हो बयान करते हैं कि आस हम ने फरमाया वो उम्मत हरगज़ हलाक नहीं हो सकती जिसके शुरू में मैं यानी आसम और आहिर पे ईसा पैं मरी और दरमियान में महदी होंगे देखो ना ये ये असल में ये जो जिस ईसाफ अपने मरीम की और इमाम महदी की बात कर रहे हैं ना आसमत ये भी अपने अपनी सदियों के मजदद हैं असल में लेकिन ये दोनों मऊद हैं अल्लाह ने आसम ने इनका नाम दे दिया और फरमा दिया कि अवल में मैं हूँगा इसमत के दरमियान में महदी और आखिर पर ईसाबन मरीम होंगे ये महदी और ईसीब नमरीम दोनों मऊद मजदद हैं असल में लेकिन हर सदी हिजी का जो मजदद ने खड़ा किया है तो वो हर मौद नहीं है ये दो मौद हैं जिसके आसमन बता दिया है मौद जदत कौन होंगे एक इमाम महदीसम और दूसरा मसीह ई साहबन मरियम तो ये उम्मत में ये गलती पैदा होगी कि वो लगा के बैठ गए कि वो मूसवी ई साहबन मरियम की वो तो फौत हो गया है कुरान उसको फौत कर रहा है तो ये बड़ी बड़ी गलती मेरा साहब ने सौ साल पहले बताई है लोगों को कुरान उसको मार रहा है फौत बता रहा है कुल नफ्स नफस जै काम तुम कहाँ उसको उस्मान पर ले गए हो लेकिन नहीं उम्मत मानती भर आज तक भी सौ साल हो गया वो अड़ी हुई इस बात पर अल्लाह ला पर रहम करे हमारे मुसलमान सब भाई हैं सब ने मरना है आगे इनका क्या बनेगा एक बंदा आया उसने खोल खोल के बता दिया तो मैं बता रहा था कि हर सदी हिजरी जो होती है उसका मुजद जो होता है ना वो हर मौद नहीं होता हाँ दो की खबर मोहम्मद मम्म ने दे दी है कि ये दो मौद मजदद होंगे तो मैंने बता दिया है कि अल्लाह तला बही के साथ हर मजद को मामूर फरमाता है खड़ा करता है अल्लाह खड़ा करता है तो वो खड़ा होता है ना अपने बात से तो झूठा को मुस्लिम बहुत का दावा करके बैठ सकता है जैसिम बशीर महमूद ने किया फिर अल्लाह ने उसके साथ किया गया उसकी वतीन को कता किया मौजूद है जमाती अमलियाँ में चौधरी जफफाला साहब की किताब मौजूद है तहदी उसका नाम है कुछ भला से इस वक्त याद नहीं मेरे इंग्लिश की किताब है उसका हवाला मेरी न्यूज़ जो है शुरू में चार पाँच छः उसमें आप पढ़ लेना उसका हवाला तो मैं मजीद मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से कह देता हूँ कि खादा अदी बही के साथ ही खड़ा हुआ है और या मामूर हुआ है तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि देखें ये जो मेरी किताब है ना ग़लान रसी उजमा इस पर यह मेरी पुकार लिखा हुआ है तो ये सारी आठ इशारे हैं ये सारे इलामी हैं अल्लाह नाजु फमाए मुझ पर मेरे दिल पर नाजु फुनाए मैं तो शायर ही नहीं हूँ ये ये आठ अशार कुल शायरी मेरी कहल है कि टोटल मतलब मैंने कभी इसके अलावा कोई शेर नहीं है तो अल्लाह ने मेरे पर नाजुल फुमाया ये इल्हामी अशा है तो ये फिर पहले चौबीस साल का था जब मैं ये नाजुल हुए मुझ पर मुझे तो पता नहीं तब ये किधर से आ गए तो बहुत बड़ी खुशी हुई कि बड़ी अच्छी दुआएं है इसमें तो लेकिन फिर बाद में वस्त सन उन्नीस सौ तिरासी को मुबारक सजदा से उठने के बाद फिर अल्लाह फिर शाफल शुरू कर दिए और फिर बताया कि देख याद कर वो मेरी पुकार अ मेरे अल्लाह तुम मेरी पुकार सुन ले तो मैंने ही तेरे दिल पर नाए थे तो इसमें एक शेर है तो पाक मुझको कर दे और नेक भी बना दे इस्लाम की मोहब्बत दिल में मेरे बिठा दे और पाक और नेक बनने की दुआ सिखाई मुझे और मैंने ये दुआ की मिर्ज़ा गुलाम साहब को एक ख़्वाब के आलम में उनके आगे खड़े होकर उन्होंने भी दुआ की तो मैंने बार है हाँ इसका गुलामी मसीह उमा किताब में उनका जिक्र मिलता है उस ख्वाब का भी तो मैं भी उनके खड़ा खाकू वो मुझे कहते हैं कि अब्दुल्फ़ार नमाज़ पढ़ा करो और मेरे साथ दुआ करो तो बाद लोग इतराज़ करते हैं मेरे हन जम्बा साहब नमाज थी कि मैं कामल कोई इंसान अपने को दावा ही नहीं मेरा मैं तो खोया हुआ इंसान था दुनिया में नमाज बाज को सुस्ती हो जाती है और पे भी होती रही है तो इसमें कि कौन सी बात है अगर फिक्र तुम करो कि जो नमाजें पढ़ने वाले हो त हजदें पढ़ने वाले हो कि अल्लाह ने एक ऐसे इंसान को जिसकी कमज़ोर नमाजें थीं उसको चुन लिया और तुम नमाजियों को ना चुना ठोकर मार दी तुम पर फिक्र करो अपनी नमाज़ों का फिर तुम्हारी नमाजें है, क्या हैं तुम पढ़ते हो जबकि तुम्हारे सामने एक आदमी खड़ा हुआ है कि उसको मिर्जा साहब ख़्वाब के आलम में फरमाते हैं कि अबार नमाज पढ़ा करो मेरे साथ दुआ करो और वो अपने हाथ दुआ के लिए उठा लेते हैं आसमान की तरफ तो मैं भी आसमान की तरफ उठा लेता हूँ हाथ तो वो भी दुआ कर रहे हैं तो मैं भी दुआ कर रहा हूँ तो मैं उस वक्त जो दुआ की वो यही थी वो ए मेरे अल्लाह अब तू मेरी पुकार सुन ले जो चंद महीने पहले मेरे पर ये इशार नाजिल हुए थे तो जब मैं शेर पढ़ रहा था तो ख्वाब खत्म हो गई बाद में अल्लाह ने मुझे बताया कि अः अब्दुल्फ़ार याद करो ख्वाब जो तुझे मैंने दिखाई थी जिसमें तूने वो मेरी पुकार पढ़ी थी मिर्ज़ा ग़ुल ने भी हाथ उठाकर दुआ की थी और उसकी इकतद में तू ने भी हाथ उठाकर दुआ की थी तूने तो वो इशार पड़े जो ते तूने जो मैंने तुझे बख्शे थे तो मिर्ज़ा साहब ने जो दुआ की थी कि वो वो दुआ थी जो चिल्ला हूँ की दुआ थी जिसके नतीजे में उन्हें वो मौन निशा रमन मिला था ये ख़्वाब की बातें हैं आलम की तो मैं शेर की बात कर रहा था कि एक शेर में अल्लाह फरमाता है मुझे मतलब नाजिल करता है तो पाक मुझको कर दे और नेक भी बना दे इस्लाम की मोहब्बत दिल में मेरे बिठा दे अब देखिए पाक और नेक इसका मतलब ये था कि अल्लाह मुझे ज़की बनने की दुआ सिखा रहा था लेकिन यहाँ पर ज़की के अल्फाज नहीं हैं अल्लाह ने बात को मख्फी रखा मेरे पर खोल ही नहीं क्योंकि अगर ज़की होता तो मैं सोचना शुरू कर देता उस वक्त ही कि यह क्या बात है अल्लाह ने ऐसे अल्फाज फरमाए जिसका मतलब तो झकी का ही है लेकिन इस बंदे को अभी पता ना लगे तो पाक मुझको कर दे और नेक भी बना दे आप डिक्शी जो उर्दू की डिक्शियाँ देखें वहाँ पर ज़की के माने देखें पाक और नेक करना या पाक और नेक को जी कहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा और मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को पता लग गया होगा दूसरा सवाल ये है कि मसीम सामने भी पहला दावा मजदीद किया था आपका दावा वही और बही पर मबनी था अगर था तो मुझे आप इसका हवाला दें पहली बात तो ये है कि मोहम्मद अब्जुला साहब ये जो सवाल आप कादियानीानी नाम याद खलीफों से करें उनके मौर्यों से करें मुझसे करते फिर रहे हैं मैं तो मुद्दे ही दावेदार हूँ मऊद जख़की ग़ुलाम मसीह जमा होने का या मऊद निशानी रहमत होने का या मौल मुसले होने का तो ये मिर्ज़ा गुलाम साहब के मतलब ये जो आप सवाल कर रहे हैं तो उनको बड़े जिन्होंने जबात काबू की हुई है मिर्जा साहब कि सौ साल हो गया लोगों से चंदे ले कर लोगों को नंगा कर दिया उन्होंने अठतालीस तक चंदे उन्होंने उनसे पर करें सवाल पूछे आप मुझसे पूछें तो मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि इसका जवाब जो है ना ये जो किताब है इनकी कादियान का ये जो मेरे हाथ में है ये मैं दिखा रहा हूँ इसका सफ़ा नंबर पैंतीस तो मैं उसको पढ़ भी देता हूँ आपकी तसली के लिए ये मार्च अठारह की डेट है अल्लाह इल्हाम नज़र मेरा पर फरमाता है, करता है वो पढ़ देता हूँ मैं अल्लाह ताला फरमाता आपको मुखातु करके मिर्ज़ा गुलाम सब को या अहमद वबारकल्ला फ़ी का माँ रमैता इज़रमाता बलाकन्नल्लामा और कुराना ले तुम ज़रा कॉमन मा उन जरा आबा वाले तास्ताबीना सबील मुजरमीन कुल इन्नी उम्मीद तो व अना अवलमोमिनी कुल जाल हक व जहकुल बातल। बातिल बातिल व इंदल बातिल कान जहुका कुल्लो बरकात मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतबारा का फतबारा का मन अल्लमा व तअल्लमा व तअल्लमा कुल इन निफ्तरैतुहु फअलिया इजरामी आगे फिर होल्लाज़ियासला रसूल हु। बल्हदाद्दी लक़रल्द्द्दी ले कुल जैसे कि मैंने शुरू में कहा है कि बहुत सारी कुरानी आयात जो है मिर्जा साहब को नाजुल ये भी कुरानी आयात है तीन दफ़ा आंसर पर नाजुल हुई है तीन मुख्त सूरतों में तो ये मैंने पढ़ दी हैं इसका तरमा में पढ़ देता हूँ तो अरबी तो मैंने पढ़ दी है जिला तो साहब के सवाल का फिर जवाब आ जाएगा इसमें अल्लाह फरमाता है अहमद ख़ुदा ने तुम्हें बरकत रख दी है जो कुछ तूने चलाया ये तू ने नहीं चलाया बल्कि खुदा ने चलाया खुदा ने तुझे कुरान से ताकि तू उन लोगों को डरावे जिनके बाप दादे डराए नहीं गए और ताकि मजमों की राह खुल जाए कह मैं खुदा की तरफ से मामूर हूँ और मैं सबसे पहले ईमान लाने वाला हूँ मम्म अब्दुल्ला साहब आपको पता लग गया है इलाम का मेरा साहब को ये मार्च अठारह सौ बयासी का इलाम है फिर मैं पढ़ता हूँ कह मैं खुदा की तरफ से मामूर हूँ और मैं सबसे पहले ईमान लाने वाला हूँ कह हक आ गया और बादल भाग गया और बादल भागने वाला ही था हर एक बरकत मोहम्मद की तरफ़ से है बस बड़ा मुबारक वो है जिसने तालीम दी और जिसने तालीम पाई कह अगर मैंने इफ्तरा किया है तो मेरी गर्दन पर मेरा गुनाह है देखें वो ये आ गया मतलब मैं भी लोगों को कहता हूँ कि अगर मैंने इतना बड़ा दावा किया हुआ है मेरा साहब तैर के आगे रखा तो अगर मैं झूठे दावे कर तो मेरी गर्दन पर इसका गुना है तो अगर मैं सादिक कहूँ तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा जो इस कादानी जमात के बदकार जो टोला है उसके पीछे लगे फिरते हो तो तुम्हारा क्या बनेगा फिर मैं तो खोल खोल के बातें बता रहा हूँ लेकिन अगर मैं इफ्तरा कर रहा हूँ तो फिर मेरे साथ भी तो वही होगा जो मिर्जा बशीर माऊद के साथ हुआ था उसने भी इफ्तरा किया था कि मैम उसे माउद झूठा खाब बनाई जो भी कर किया उसने अल्लाह ने पकड़ लिया उसको तो उम्मीद है आपको आपके जवाब का सवाल का जवाब मिल गया होगा तीसरा सवाल आपका यह है कि हज़त मसीह मऊदाम ने कितने दावे किए हैं और कब यानी ब्रैकेट में साल और कौन से दावे किए हैं तफसी बता दें पहली बात तो यह है कि दावा में जदीत अठारह सौ चौरासी में किया आपने दूसरी बात यह कि दावा मसीहत बमहदियत अठारह सौ इक्यानवे में हजूर सामने किया था आप इसकी तफ़ील सीतमदी हिस्सा दोम सफ़ात चार सौ तरतालीस था चार सौ अठतालीस तक वहाँ पर ये पढ़ सकते हैं तो इस वक्त मैं पुरना ये मेरे पास है वो सरतुलमादी ये पूरी है जल्द अव्वल जल्द दोम जल्द सोम भी है तो इसमें जो मैंने बताया है चार सौ तैतालीस था चार सौ अड़तालीस तक वहाँ पर तफसील पढ़ ली जो मैंने बताया है कि अठारह सौ चौरासी में आपने होने का दावा किया अला हुक्म पर और फिर दावा मसीहत और बाहदियत अठारह सौ इक्यावे में किया इसकी तफस गयल अज़ाल मिसाय मिलती है बाल ये जो सफ़ात हैं इसमें आप मोहम्मद अब्दुल्ला साहब देख लेना तो ये सवाल तो आपको सही ही का दिहानी जमा से करते तो चौथा सवाल आपका ये है हयात नूर में खलीफा अव्वल ने खलीफा सानी को मुस्लिम मौदू करार दिया है आगे ब्रेक में लिखे हवाला आपको भेज दिया ये ठीक है मैंने आप पढ़ ली है आपके, या आपको यह आप तो अब मैं जब आप इसके सवाल इस के जवाब के हवाले से आप शेर करता हूँ कि हकम मिर्ज़ा ग़ल सब की वही और मुब इ्हात के मुताबिक मुस्लिम मऊद यानी मऊद निशान रहमत या मऊद जकी ामसी उज़मा आप लम का कोई जिसमानी लड़का नहीं था ये आप न्यूज़ नंबर एक सौ साठ अलाम डॉट कॉम पर देखें सारी तेरह मुब इ मैं वहाँ पर लिखे हुए हैं और ये कादियानी तस्कर से ही मैं नोट करके वहाँ पर लिखे हुए हैं तो मैं तो बार बार, बार बताता हूँ कि मिर्ज़ा लम सम की निरीना औलाद का सिलसिला चौदह जून अठारह सौ निन्यानवे को ख़त्म हो गया आठ या नौ इलामी थी फिर गुलाम ाम उसके दीगर सती नामों के साथ मेरा सब पर हुई वो किसकी हो रही थी वो वो लड़का नहीं है जिसमानी तो आप कह रहे हैं हयात नूर में खलीफा अवल खलीफ़ा सानी को मजबूत करा दिया है तो अगला मैं बताता हूँ कि खलीफा अव्वल पहली गलत तो खलीफा नहीं थे वो इमाम जमात थे या कैद जमात कह लें खिलाफत खलूफत कोई नहीं मेरा साहब उसम के बाद ना अल्लाह ना मेरा सबसे बस अपम आया ये जमात में ये रिवाज चल पड़ा है खलीफे खलीफे तो बेमून सी बास को खलीफा निकल जाता है तो खलीफा मौलाना नूरुद्दीन बड़े ज़बरदस्त बुदकी इंसान थे मिर्जा साहब उसम के ज़बरदस्त जानसार साबित थे आपकी तलीम पर चलने वाले थे लेकिन मिर्जा साहब इसम की वही जो थी आप पर नजरी उसके साथ मिर्जा मौलवी नूरुद्दीन रजी अल्लाह तआला लन या किसी और साहब की क्या हसीयत है उसके आगे आप किन को क्या करते फिर रहे हो लोग मिर्ज़ा गुलाम साहब की वही की हकानियत मैंने पहले बता दिया है लेक्चर सुन आ, करने से पहले बताया कि उसकी क्या हैसियत है, है। मिर्जा साहब फरमाते हैं कि जिस तरह कुरान की वही पर मेरा ईमान है इसी तरह मेरी अपनी वही पर भी ईमान है तो ये सबियों की अखाबें आप बताते फिर रहे हैं हयात नूर से तो क्या है सबियों की सबियों की क्या हैसियत है मिर्जा साहब के मुकाबले में उसकी वही के मुकाबले में आगे ये एक सौ साठ न्यूज़ नंबर पढ़ लें दूसरा ये कि हकमदल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलसम की वही और बश अलहमद के बिलमक़ाब फिर वही जो अभी मैंने बात समझाई है कि रज़ी अल्लाह तआला अनु के किसी बयान या फरमुदा की क्या हैसियत हो सकती है कुछ भी नहीं वो तो आपको मानने वाले थे लेकिन सच्चे थे खरे थे मैं आपकी तैद करता हूँ उस इंसान की उसके अंदर कोई खोट नहीं था ना उन्होंने गदियाँ बनाई आपके बाद अपने बाद वो खुदा रसीदा बंदा था लेकिन वो मिर्ज़ा ाम की बिलम या आपकी बही के मुकाबल मौलवी नूरुद्दीन रसी अल्लाह तौर की कोई हैसीत नहीं हो सकती जिस इल्हम का या उस वही का मिर्ज़ा ाम को अल्लाह ने ख़बर नहीं उस उसकी ़लाम के हवाला से निशान रहमत के हवाले से मौलवी नूरुद्दीन कहाँ से आ गए उसको समझने वाले यही जिस मलम पर वही नाजिल हुई इलामी पेश हुई चिल्ला होशियारपुर में उसको मुलहम ढूंढता रहा आई जिंदगी वो अपने बच्चों में उसको अलग ख़बर नहीं दी ये कौन है बंदा मौलवी नूद्दीन रजी अल्लाह की क्या हैसियत तो उनके आगे खुद वो बताते दूसरी बात तीसरी बात ये कि माउद निशान रहमत या माउदकीलाम मसीुज़्मा ही कमरुल व लंबिया और वही नाफरा मऊद है ये जो मिर्जा बशरुद्दीन ने जूठे खुद दावा मुसिन बहुत जूठा किया कमर व वो जो बशारते हैं उसको बशीन अपने छोटे भाई मिर्ज़ा बशी उन पर लगा दिया उसको खुश करने के लिए नाफरा मऊद अपने बेटे नासिर को बनाता फिर रहा है यानी ये जो कमर है या नाफिला मौद है वही मऊद जकी ग़ुल मसी या वो वही मऊद मुस्लि है एक ही वजूद है वो जिसके ये सफ़ाती नाम है तो जनाब वो तकसीम करता रहा खुद मुस्लिम मौद का झूठा दावा कर लिया भाई को कमर लम्बा बना दिया कभी मिर्ज़ा बशी अहमद ने मैं रसूल पर खड़े होकर दावा नहीं किया कि अल्लाह ने मुझे बताया कि तू कमर लंबिया है मुझे सबूत दें इसका कभी मिर्ज़ा नासिरम ने मेबर रसूल पर खड़े होकर ये दावा हल्फन नहीं किया कि अल्लाह ने मुझे बताया कि वो नाफिला ओलम जिसकी अल्लाह ने मेरे दादा को ख़बर दी थी वो मैं हूँ अल्लाह ने मुझे बताया कभी उनको बुझे? ये मौलवी शौर् बनाते फिर रहे हैं चूठों चूठ चुट, चठारिया सब चूठों का टोला इन्होंने समझ लिया जमात पर कब्ज़ा हो गया इलाम शाम साढ़े कब्जे जाकर जो मर्जी कर दे फिर अला ने पकड़ा मिर्जा बशीरुद्दीन ममूद को तो ये नासिर अमन नाफिला महमूद का दावा ही नहीं किया तो मिर्ज़ा बशीर अमद ने भी कोई दावा नहीं किया कि मैं वो कमरा ये बशीरद्दीन ममूद की शैतानियाँ हैं सारी फिर उसने कथा वतीन करवाई आखिरी ग्यारह साल जिंदगी के जलील होता रहा बेड पर पड़ा मफलूज हो गया अल्लाह ने फिर सजा दी इसको क़ा वतीन भी की इब्रत का निशान बना दिया भाई तू मेरे लहमान जमा तफ्क कर दा फिर तुम तो उम्मीद है इसको समझ आ गई होगी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को भी पाँचवा सवाल आपका ये है कि हयात नूर में एक सहाबिक का हलफिया बयान है खलीफ़ा सानी के बारे में क्या यह हल्फिया बयान ख़लीफा सानी के हक़ में निशान नहीं है या जना ये वो जो आपने भेजे हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं अब जवाब सुन लें कि हकम उदरहत मिर्ज़ा असम की वही और मुबशर इलाहामात के बिलमकबिल अब आप रही के किसी के ख़्वाब की क्या हैसियत हो सकती है कुछ भी नहीं यानी ये तो वो चीज़ थी जिसको ख़ुद महम को बतानी चाहिए थी अल्लाह ने वो उसका हक़ भी था अलम जो बताइए ज़की है कौन ताकि मैं आगे बता भी जाऊँ अल्लाह ने नहीं बताई अल्लाह ने टेस्ट करना था मिर्ज़ा गुलाम ग़लम के मानने वालों का ये करते क्या है इसके बाद बतौर ख़ास उसकी औलाद जिसमानी का कि ये करती क्या है दुनियादार लोग हैं मैंने अभी कहा है अब दोबारा कह देता हूँ कि तेरह सौ साल में उमत मोहम्म के मौलियों ने या अमत महमदि के नफसानी लोगों ने इस्लाम के साथ वो खराबी नहीं की जितनी सौ साल में मिर्जा गुलाम वसलम की औलाद ने जिसमानी औलाद ने अहमदियत और इस्लाम पर जुल्म किया तुम सोच नहीं सकते कि जो उन्होंने गाना डाला जो तो अहमदियत का सत्यानाश किया इस्लाम का सत्यनाश करके बैठे हुए तो मेरे को खलीफे बना के बैठे हुए मरदू दो अपने आप का फिक्र करो अच्छा छठा सवाल सुन लें आप कहते हैं जिंदा मजहब की निशानी होती है कि अल्लाह ताला इस मजहब के तकरीबन पैरोकार तमाम पैरोकारों के साथ कलाम करता है भैया और एल्हाम करता है क्या आपकी जमात में ये चीज़ मौजूद है और क्या आप ये बात हलफिया कह सकते हैं कि मेरी जमात में ऐसे लोग बड़ी तादाद में यार मोहम्मद अब्दुल्ला साहब किधर टूट पे हैं उसे मैंने एक सही बात बता दी आपको मैंने जो पता कि आप लाहौर जमात में हैं या कादियानी में कहाँ हैं कौन हैं ये बाल अहम कि होंगे एक बंदे ने बात आपको बता दी कि मिर्ज़ा गुलाम साहब को इस वजूद को अल्लाह ने ज़खी गुलाम को बतौरा लड़का नहीं दिया ये लड़का नहीं था और मैं आप इसका सबूत लेके खड़ा हूँ दुनिया में उसकी मरकज़ी इलमी इी निशानियाँ इस तरह हैं अल्लाह फरमाता है उसको मेरा साहब को मुखाक करके वो सहनो फ़हीम होगा और दिल का हरी और अलू में ज़ाहिर व बात नहीं से पुर किया जाएगा और वो तीन को चार करने वाला होगा ब्रैकेट में मरहम लिखता है इसके मानी समझ में नहीं आए फ़र्ज दिलबंद गिरामी अर्जमंद दशमबा है मुबारक दुश्मा फर्जंद दिलबंद ग्रामी अर्जमंद मजरबुल्लाखिर मजरक वाल्म बोल तस्बूत है इन शूम की यह किताब मोहम्मद अब्दुल्ल्या साहब आप कितनी इंग्लिश जानते हैं मुझे नहीं पता बाला आपने अपनी तहरीर में कुछ इंग्लिश के रफात भी लिखे हैं बालज को पढ़ें आपको रोशनी हो जाएगी कि क्या बंदा कौन है लिखने वाला तो अव्वल और आखिर का मज़र अला और हकम मज़र ख़ुद अपनी जात से भी कोई बन सकता है नहीं बन सकता जिसको अल्लाह बनाएगा वही होगा अल्लाह ने वादा किया मिर्जा साहब अम से इस वजूद का तो ज़्यादा वजूद वो लड़का तो था ही नहीं और लड़के साहब दावे करके बह गए फिर शहर रकट वाली ही उन्होंने अपनी अजय भी थानू होश नहीं आ रही त मरना है एक थोड़े नाम लिहाजे जाली खलीफा ने थोड़े काम नहीं आना अगे आके मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ बता रहा हूँ क्या उनके देर मैं भी खड़ा हूँ वहाँ पर अल्लाह ताली के हजू कि लोगों को सब कुछ मैंने बताया इतने ढीर लोग थे इनके तो कानों पर जू तक नहीं रेंगी ये वो वजूद है ये जिसकी निशानियाँ मैंने अभी अबीम फाज पढ़े तो आप कह रहे हैं अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ ये जो जिंदा मज़हब की निशानी होती है वगैरह मैं पढ़ दिया है जवाब मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब दी इस्लाम एक ज़िंदा और सच्चा मज़हब है आप मानते हैं मैं ही मानता हूँ पूरे मत डेढ़ अरब मुसलमानों का है आप मुझे बताएं मुसलमानों की अस्तदार डेढ़ अरब के करीब होगी आप मुझे बताएं कि इस वक्त दीन इस्लाम में कितने लोगों को वही और हो रहा होगा बताएं मुझे दीन तो सच है क़ुरान सच है मोहम्मद सच है कितने को हो रहा है मतलब कि मोहम्मद बुल्ल साहब मैं माजर से कहूँगा कि आप चबड़ा मारियाँ आप तो शुरू कर देती हूँ एक सवाल नहीं है कि चबड़ा है आगे मैं बताता हूँ आपको पाकिस्तान की आबादी इस वक्त तकरीबन चौबीस करोड़ है पचानवे फ़ीसद मुसलमान है वहाँ पर आप मुझे बताएं कि इस वक्त पाकिस्तानी बीस या बाईस करोड़ जो मुसलमान हैं उनमें चौबीस में से कितने कितनों को मुसलमानों को वही और हो रहा है मुझे बताएं पता है ये क्या लोग हैं जिन्होंने मिर्ज़ साहब के मानने वालों को अखराज गैर मुसलम करार दे दिया हुआ है किन को हो रहा है एलहम मजहब सच्चा है इस्लाम कुरान सच्चा है मुस्लिम सच्चा है तो इस किस्म के लोगों को एल्हम होना है जो नाम के भी मुसलमान नहीं है आगे बताता हूँ आपको कि इस वक्त एम पी ओ की बीस करोड़ तादाद यानी मिर्ज़ा तहर ट्वेंटी मिलियन कहता था तो उसके हिसाब से बीस करोड़ बनते हैं तो मेरा आपसे सवाल है आप मुझे पहले बताएं कि इन 20 करोड़ जो है एहदी जबकि 20 करोड़ तो है ही नहीं 20 लाख भी नहीं है ये झूठ बोल रहा उस शख्स ने जितने भी हैं बल छोड़ो इस बात को 20 करोड़ हैं या 20 लाख हैं या कितने हैं मैं आपसे पूछता हूँ कि इनमें से कितनों को इलाहम और वही होता है किस अजस को हुआ मैं भी जमात अहमदी कादियान में, में मेरा पैदा हुआ मेरा वालद भी उसी जमात में था मेरा दादा भी उसी जमात में था गिबन जब भी वो अहमदी हुए थे चकलोट की बात है पत्नी किताब है वो की साहब की उसमें जिक्र है चकल होठ के उस मनाजरे का भी जहाँ पर जब मेरे माँ बाप यानी मेरे दादा और पूरा शक एम भी हो गया था चकलहोठ तो ये बात ये है कि आप मुझे बताएं मुझसे पूछ रहे हैं ना मेरी जमात में कितने हैं भाई इलाहा मालिक आपसे मैं पूछता हूँ कि बीस करोड़ तुम लोग तुम्हारा खलीफ़ा कहता था नाम याद ये झूठ बोला उसने स्टेज पर खड़े होकर कहाँ भी बीस करोड़ दिखा दें मुझे मुझे बीस लाख दिखा दें तो बात यह है कि इनमें कितनों को इलाहम हो रहा है भाई इस जमात में जो मेरा सब मेरा सब बिल्कुल सचे मेरा सब का बही सचा कुरान सचा मम्म सचे इन जो कादानी एम लहोरी किनों को बही हो रहे हैं मुझे बताएं अच्छा खास खा की जमातियन सब सुन के अरफ़ मुदकी और बर्गिदा इंसान है देखिए उन्होंने एक साधक को देखा वो जिंदा थे वो मुर्दा नहीं थे तुम्हारे जैसे वो जिंदा थे उनका दिल जिंदा था उनमें अंदर तकवा भी था उन्हें एक मिनट नहीं लगाया उन्होंने देखा अब्दुल अब्दुल्फाज जम्बा कौन है उनके बंदा साधक और अक्सर झूठ बोलते हैं कादियानी जमात के लोग मुरबी बढ़ाए ये सारे खराज जो की थी थे जम्बा सामने मान के बैठे हैं एक भी ऐसा मेरी जमात में बंदा नहीं है जिसका मेरी मन से पहले उसकी जमात थी का हमने कादियान ने खराज किया और सब झूठ बोलते हैं मुरबी मौलवी सारे लोग खुद जमात को छोड़कर मेरे जमात में शामिल हुए हैं बाकी ये मुतकी और बरगिरदा इंसान है जिनको एक सादक की आवाज़ उन्होंने सुनी और लब्बैक अम्बैक कह दिया उस पर उसने नहीं देखा कि हमारे साथ क्या होगा कादियानी क्या करते हैं ये लोग जो इनके जो झूठे अकायद को नाम माने या इनके झूठे जो निज़ाम में इनका पाबंदी इख्तियार ना करे उसके साथ ये कादियानी निज़ाम वाले क्या करते हैं आपको पता हो मोहम्मद अब्दुल्ला साहब उन्होंने कोई परवाह नहीं की लांत बेच दी उससे झूठा ये लोग लोग बंदे झूठे हैं तो बाकी मैं कह देता हूँ कि ला जिससे चाहता होगा कलाम भी उससे फरमाता होगा मेरी जमात में भी फरमाता होगा आप ये सवाल बेबेतुखा पूछ रहे हैं मुझसे मैं बताऊँ लोगों के मतलब आप पहले मुझे कादियानी जमात या लाहौरी जमात जिस जमात भी आप मैं हैं बताएं बताएँ को आलाम होता है मुझे हुआ और मैं खड़ा हूँ इस दावे के साथ खड़ा हूँ और मैं बुला रहा हूँ इनके नाम न खलीफों को और लाहरी अमीरों को भी सबलगुओं को भी हम बात कर लेते हैं वो कितने गए हैं सारे क्या इनको वही और एलम होते हैं होने वाले लोग हैं ये तो ख़ास जमात है ये मुसलमान भी थे मेरा साहब असम से पहले इनके अब तो मेरा साहब को भी मानने वाले ये लोग हैं ये कहाँ बन के बैठे हुए हैं मुझे दस बंदों का जमात में यह में बता दें कि दस बंदे ऐसे द बता दें जो दावा रखते हो कि हमें वही और एलम होता है हालांकि तादाद तो वी करोड़ या बीस लाख है जो छटो पड़े इस तू तो मेरे जमात नंबर में पूछने लग पे हाँ मैं ये समझता हूँ कि मुद्दे लोग हैं सारे और खुदा रसीदा लोग हैं और नेक नीयत हैं उन्होंने कोई परवाह नहीं की कि हमारे साथ निज़ाम क्या करेगा ये कादियाँ जमात के उनको लांध भेज तो उनको छोड़ो दफ़ा करो छठी बात यह है कि खाक अपने मुतल हलफन कह सकता है कि अल्लाह तौल की बही और खाक साहन नजर होता है मैं अपने मुतल कहता हूँ और इन आप जिस जमात में भी हैं उनके मौलियों को मेरे मुकाबले भी लाएँ मैं तो हर वक्त तैयार हूँ वो भागते फिर रहे हैं लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि अपने मुतल मल्फुन कहता हूँ कि अल्लाह की वही और इल्हाम नाजल होता है मुझ पर और ये मैंने अभी मेरी पुकार बताई दिखाई है आपको बहुत सारी मेरी किताब पढ़ेंगे वो मुकदमा जो है इसमें बहुत सारी बातें मैंने लिखी हुई हैं तो आपको समझ आ जा जाएगी तो आपको मैं ये कहूँगा आप अपनी जमात से कहें नाम नार खलीफे अगर कादियाँ जमात में हैं या लाहौरी जमात में हैं उनको कहें कि मेरा सामना करें और इन शाह तल मैं हर लमे हर वक्त इनसे गुस्तु करने के लिए तैयार हूँ अपने दावा के हवाले से जो मेरा दावा है और ये लोग भागते फिर रहे हैं इनको तैयार करें अगर इनके पास कोई सच्चाई है तो हाँ मर जाएंगे मेरे सामने नहीं आएंगे अब पांचवा सवाल आपका ऐसा है ये ये तो हाँ छठा सवाल था जिसका मैंने अभी जवाब दिया है तो सातवां और आखिरी सवाल आपका ऐसा है बज दफ़ा मेरे दिल में आयात डाली जाती हैं और बज़ दफ़ा दिमाग में आयात आ जाती हैं और कुछ देर तक दिमाग में चलती रहती हैं और बज़ दफ़ा ज़बान पर कलमा जारी होते हैं आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें कि ये किस चीज़ के अंडर आती हैं और उन्हें क्या कहा जाए महमदुल्ला साहब मैं तो आपको एक अक्लमंद मुद्क इंसान समझता था पहले ये सवाल आपके पढ़ के मैं समझता हूँ कि आप भी ऐसा ही हैं बस यानी ये जो सवाल आप कर रहे हैं कि तुक बनता है कि आप मेरे पास ये सवाल करें आप अपने मतलब जो जो, ते, जो तेरी कैफियत है तुम्हारी मैं उसको क्या फतवा दूँगा आपको जो आप में दिल में आता है या जुबान पर जारी होता है इसके ज़िम्मेदार आप हैं मैं उसके मतलब तो फतवा नहीं दे सकता मैं क्या कहता हूँ कि आपके नफसानी ख्याल आते।, तो आते हैं जो दिल पर आते हैं जो दिमाग पर आते हैं ये क्या होते हैं मैं अपना दे सकता हूँ अपने कि हाँ अल्लाह की वही और इस साल इस पर नाज होता है कभी वो वही मतलब होती है लफजी होती है कभी मजमून होता है ये जो किताब है सारी मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी इसी रूहल क़ुद के साथ लिखी गई है और चैलेंज है पूरी दुनिया के आगे सिर्फ कादियानी जमात नहीं या लाहौरी जमात नहीं पूरी दुनिया के साइंटिस्ट फ़िलासफ़र मा जो हैं दीन के हैं या जो भी हैं आए मेरा मुकाबला करें इसके ये वो कति सबूत है जो मिर्ज़ा साहु को पेश में बताया गया था कि वो सख्त जहहीन और फहीम होगा और दिल का हालिम आप पढ़े किताब इसको आपको पता लगेगा कि बाकी सख्त जहन और फहीम भी सब हो गया आप जब पढ़ें मुझे नहीं पता आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी काफ़ी अर्सों से डॉट काम पर आने हैं पढ़े इसको फिर वो सारी निशानियाँ जो मेरा साहब सन को दसीद वो सारी इसमें आ गई तो ये ख़ुद अपने अगर खुद बन सकती होती तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन माँ तो बड़ा शातर इंसान था वो तो कभी बना लेता लेकिन वो तो कटवा के चला गया अपनी शहर रख बड़ा अल्लाह तारा उस पर रहम करो चला गया इस दुनिया से तो मैं कह रहा था आपका सवाल पढ़ कर कि आपके मुतल मैं तो नहीं फतवा दे सकता उनकी हकीक़त या तो आप जानते होंगे या अल्लाह तारा जानता होगा खास सर उनके मतलब कोई फतवा नहीं दे सकता खास सर इन बातों का ज़िम्मेदार है जो अल्लाह ताला की तरफ से मेरे दिल और दिमाग में डाली जाती हैं मैं आपकी बातों का ज़िम्मेदार नहीं हूँ उम्मीद है सातों सवाल जो थे आपके मैंने उसका जवाब दे दिया है तो और आपने कहा था कि अब्दुल अब्दुल्फ़ात जम्बाई जवाब दे तो ख़ुद मैं बन रब नफीस खुद जवाब दे रहा हूँ मैं आखिर पे मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से भी कहता हूँ और बाकी जो एम की लोग हैं या मुसलमान हैं सारे उन सबसे मैं कहता हूँ कि बीस फरवरी अठारह सौ छियासी के दौरान पेश हुई कि मरकज़ी इलमी इलाहमी और कथी निशानियों, निशानियों के साथ इस वक्त खाक सार दुनिया में खड़ा है और देखो ये खाक सार का इलाही नजरिया वर्चुअस हुए उस गार्डेज़ का कथी सबूत है ये सबूत दे रहा हूँ मेरा साहब साहब ने मिर्जा बश् मोहन क्या सबूत दिया आप लोगों को उसने तो यही सबूत दिया था कि दस मार्च उन्नीस को उसी अलाने बतिन को क़ा कर दिया। फिर तो उसके बाद मफलूज हो गया ग्यारह साल से मर पर लेटा रहा मफलूज हो के बारह हाँ मैंने हवाले पढ़े हैं वो कहता है कि मैं तो ना सोच सकता हूँ ना कुछ भी नहीं मैं तो बाथरूम नहीं जा सकता ताकत नहीं तो ये उसका सबूत था उसके झूठों दावे का तो ये खाक सर का सबूत है ये जितनी भी वो सलामी पेश की मैंने अभी मैंने पढ़ी हैं अमामी अल्फाज पढ़े हैं इसमें ढूंढ लें आपको मिल जाएंगे लेकिन तकवा और नेक नीत होना चाहिए हदायत मिलती है मुतकी और नेक नीत लोगों को अल्लाह जाल साजों को हजायात नहीं दिया करता या ड्रामेबाज़ों को या ए वही सवाल ठोकी जाना है का ना भाई एक बंदे ने तुम्हें बता दिया है वो चैलेंज देता है आप सबको कि मिर्ज़ा ओं को तो बतौर लड़का दिया ही नहीं अगर आप जमाते कदियन के मैंबर हैं तो मिर्ज़ा बशी मूल को दबा झूठा एक बंदा कह रहा है साबित कर रहा है आपकी जमात भागती फिर रही है उसके आगे और वो अपने वो कहता है कि खुदा ने मुझे बताया है कि अब्दुलफार बतू है और उसका सबूत पेश कर रहा है और ऐसा सबूत है कि वो इल्मी रंग में है दुनिया के आगे रखा उसने जिसमें इल्म व हिकमत के फसात जैसे कि मैंने शुरू में बताया था जिक्र में कि इल्म व हिकमत के फसादा जो आज तक पड़े हुए थे उनका इसमें हल उसने बता दिया लोगों को और रूहानी मजहबी फसादा जो जमाती ऐहदिया में डाले गए हैं या इस्लाम में डाले गए उस सब का हल उस उस मैंने बताया बताया तो इसके बाद भी फिर हदायत मेरे अल्लाह के पास है मैं तो नहीं किसी को दे सकता अल्लाह आप पर रहम करें तो मोहम्मद अब्दुल्ला साहब खाक साहब ने कथित तौर पर साबित कर दिया है कि मौद रहमत या मौद मऊदकी ऊमा या मौद मुस्लिम की ये पेश कोई मिर्ज़ा साहब साहब के किसी जिसमानी लड़के के मुंक नहीं थी अभी भी आप फटके हैं उसे बैठे हैं अब बैठे रहो मरने के बाद फिर देखना हमदा कि आगे मैं कहता हूँ कि वो कुरान करीम मुबिर इलामी कराम जो है इसका सबूत है कतई और अगुलाम डॉट कॉम पर न्यूज़ नंबर एक सौ साठ पढ़ लें सारा आपको वो मुम्बर आपको मिलेंगे मेरी कहीं है उम्रा साहब के इलाम है वो बता रहे हैं कोल्ला ने तो दिया ही नहीं उस बंदे को उसके लिए किसी लड़के को तो बनाना नहीं था उसकी ज़िंदगी में फ़ैसला कर दिया था तो अभी मैंने बता दी है कि ये सारी निशानियाँ उस वजूद की जो अल्लाह ने बताई हुई हैं इलामी अल्फाज में इस किताब में कागस की इस किताब में आप, आपको वो मिलेंगी यानी उन्हीं निशानियों पर ये पूरी किताब खड़ी हुई है खड़ी है अजीब बात है यार खुदा की एक उम्मीद इंसान हूँ मैं मैं तो बचपन में जंगल में पैदा हुआ डावर में जाए जहाँ पर मेरी ज़िंदगी बिताई गुजरी अब देखें ना मैं आपको तो बखार देखता हूँ जिसको आप मुस्लिम मौत बना कर बैठे हुए हैं देखो ये किताबें लिखी हुई हैं उसके मतलब लोगों ने मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ मैंने बारह हाँ अपने खुतबात में लेक्चर में बताया है कि मैं जंगल में पैदा हुआ डावर में प्राइमरी स्कूल से प्राइमरी की फिर मिडिल स्कूल अहमदनगर में पढ़ा फिर रवा में का रहा दारो सदर गरबी हल्का लतीफ़ में रहा पूछे जाके वहाँ से कि मैं कैसा इंसान हूँ ज़ाहिर है कि मैं अंदर तो नहीं घर में बैठा है मिलता था लोगों के मिलता था लेकिन मैं बचपन से ही ऐसा नहीं है को महफलों बंदा नहीं है मैं मेरी अपनी एक ज़िंदगी बचपन से ला ने जैसे मुझे फितरत मुझे दी है उसके मुताबिक मेरी कोई महफिल नहीं रवा में रहा हूँ डावर में कहीं कोई कहीं नहीं अपने काम से काम अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपने पढ़ने पर मेरा ख्याल थी तो बाहर आप जाके देखें और ये जो इल्ज़ाम लगाए हैं लोगों ने मिर्ज़ा बशुद्दीन मोहम्मद पर या इस वक्त मिर्ज़ा लोकमाम पर उसकी बेटी लगा रही है कि वो बदकार आदमी है मेरे साथ बदकारी करता रहा है मरदूदो तुम इन लोगों को खलीफे बनाकर बैठे हुए हो बदकारों को तुम्हारा बनेगा क्या आगे हूं तो खुल गया है हर चीज़ खोलती है फायजा साहब का इंटरव्यू सुन लें जो किसी इंसान ने उनसे लिया है तो खुद वो तस्दीक कहती है कहती है वो बंदा सवाल करने वाला उसे करता है कि ये जो निदाव नसर जो तेरी बेटी है वो अपने बाप को मतलब कह रही है क्या आप तू इसकी तस्दीक करती है यह तकजीको कहती है मैं सौ क्या दस हज़ार दफ़ा मैं तस्दीक करती हूँ कि वो सच कह रही है मिर्जा लकमान कौन है ये मिर्ज़ा लकमान का बाप मिर्ज़ा नासिम खलीफा था खलीफे के वो खलीफा होता था वो खलीफे की औलाद ऐसी गंदी होती है मिर्जा ताहर की वो बेटी है मिर्जा फायजा और उसकी निवासी थी वो मेरा मुकबला करता फिर रहा था गद्दी बचाती सारी जिंदगी वो यही काम किया ना उसने घर क्या हो रहा था उसके निवासी के साथ उसका दमाद क्या कर रहा था उसको पता नहीं था नहीं पता था ये वो लोग हैं तुम्हारे नॉर्मल नहात खलीफे ये बलाय कादियान है कतन मेरा साहब सा अल्लाह ने कोई वादा नहीं किया था खुलाफत का ना कोई है हाँ ज़्यादा आप कह सकते हैं मौलवी नूरुद्दीन तो को इमाम जमाती अहम दिया पहले वो कह दें जमाती अहम दिया अबर ये खलीफे खुलफे कहाँ से आ गया खलीफे तो अल्लाह बनाता है ये जो अभी मैंने सूत नूर की ऐत नंबर छप्पन शुरू में तलावत की है इसमें जो खिलाफत का आसम से वादा फरमाया गया है अल्लाह ताला ने ये पहले चारे खुलफाए राशद वो उसी के तहत अल्लाह ने वो खड़े किए थे तो मैंने बताया हुआ अपनी किताबों में भी कि आसम का एक हवाला है कि वो मैंने इसका जिक्र भी किया हुआ एक मिनट में बता देता हूँ आपको जैसे कि मैंने शुरू में बताया भी है कि तीस साल तक वो खिलाफत रही اس کے بعد میں لوکیوں نے بدل جائے گی آن سے خود فرمایا ہوا ہے تو یہ خلافت 100 سال ہو گیا تھوڑی چمڑی لاری انہوں نے لوٹ لیا دن کپڑے لا لے اذه بھی یہ خلیفہ بن کے بیٹھے جبکہ میرا سبھی غلام نبی امتی نبی اس کے ساتھ تو وعدے نہیں خلافت کا ہوا مردود لانت مقدس لفظ خلافت کا یا خلیفہ کا کیسے انہوں نے مشروز کیا اور انے جے کیند فقیروں پیچھے 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 اذه بھی ایک بندہ چلو میری مس سے پہلے میری مملکت سے پہلے لوگ پتہ لا علم تھے میں بھی ان میں تھا वो अलग बात है लेकिन अल्लाह ने एक बंदे को खड़ा कर दिया उसको इलम दिया कि ये सब बलायत कादमान है जो खलीफे बनकर बैठी हुई है मेरा सब असम की जब अहमदियत का सत्यानाश करने वाले ये लोग हैं इस्लाम का सत्या कर, नाश करने वाले ये लोग हैं तो इतना नुकसान पूछा कि अरे भी तो ये जान अल्लाह पर रहम फरमाए तो मैं समझता हूँ कि आपको मैं सालों के जवाब देती हैं तो अल्लाह ताला आपको अकल दे फहम दे तकबा दे नेकनी नीति दे ता आप उस ख़ुदा की सजा से बच जाएं जो कि अल्लाह ताला के ता सदक और जो मसल होते हैं उनके इनका इनकार करने वालों की फिर जो के साथ वो करता है अल्लाह ताला इस सज़ा से आपको बचा लें आप पर रहम करें बाकी ये सवाल सुल है अभी मतलब कोई फायदा नहीं है छोटी जी गल है कि मेरे साहब दिता तो ही नहीं लाने लड़के तौर तो पर अगर आपके पास कोई दलील है तो मे मुझे आया मेरे, मेरे मुकाबले पर या अताल मजीब राशि साहब या डॉक्टर मोहम्मद जलाल शहमद साहब एक बार बड़े जलाल मेरे को आया तो बड़े चौरासी पिंड फलाना थे ये तो गल कर तो मैं चुप रहा मैं भी हूँ बाकी तो पहले ही उन्होंने खराज नहीं समझ आता मैंने इतना में होनी चाहिए है डॉक्टर अब्दुल अखार साहब मैं नवे एम जी हो जर्मनी एक मोबाइल लगा मेरे हम नाम हैं चूँकि एक दफ़ा उन्नीस सौ अठानवे में मेरी उनसे बात हुई कोई शादी के सिलसिले में मैं गया हुआ था वहाँ पर तो वो भी आई हुई तो हमारी बातें हुई तो मैं डॉक्टर अब्दुल्वाफार साहब को भी कहूँगा कि आप में वो तखबा कहाँ गया जो आपको मेरे की ग़ुलामी में लेके आया था जिसकी वजह से आप पहम दिए हुए थे आज वो तखबा तुम्हारा कहाँ है एक बंदा मैदान में खड़ा है और अपना कति ये सबूत दे रहे हैं आप डॉक्टर हैं आप पढ़े लिखे इंसान हैं पढ़े इसको आपको पता लगेगा डॉक्टर अब्दुल अब्दुल्फार साहब मैं बड़ी इज्जत से आपका नाम लेता हूँ आप मेरे हम नाम है बहर मैं डॉक्टर डॉक्टर नहीं ये मैं तो फिर बात जमा इसको पढ़े आपको पता लग जाएगा कि वो इलामी पेश गई जो मेरा सब सब पर नाजरी होती है उसका विस्तार कौन है तो बहर आप पर परम करें तो लगता है कि ये जमाती अम्लिया का अध्ययन के नाम लिहाज इसमें तो जो जो आता है उसको तकवा चला जाता है खाली कर देते हैं तकवा इससे शैतान ने कपड़े ले गया था इमाम आदमी भाई ये ये लोग हैं ये तखबा के लिबाज छीनते हैं तो डॉक्टर अब्दुल गफार साहब सही मेरी दरख्वास्त है मैं जर्मनी में रहता हूँ आप भी जर्मनी के मुरबी होंगे या क्या होंगे मुझे नहीं पता आप पर भी फ़र्ज बनता है कि मैं आपका कम अज़ कम हम नाम ये मेरे नाम के आदमी ने दावा किया हुआ है अगर मैं गलती पर हूँ तो मुझे समझाएं आपको तो चाहिए टाइम ना ज़ाया करें आए ठक मेरे को की लाएँ फ़ोन करें कि मैं आ रहा हूँ फिर मुझे इस्लाम कर दें मुझे समझा दें आके अल्लाह रहम करे तो यही बातें थी अब्दुल्ला महमदुबिल जो आपके सवाल है मैंने उसके जवाब दे दी हैं तो, तो, तो रहम करे इसी पे मैं अपना आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया इसके लिए मैं जितने भी शामिल हैं उनसे मैं मदद करता हूँ व मालनाबला बाखिर लाबिलमी फ़लहदुल्ल अब्बल बा आखिर ब़ाहिरत ब मौलाना नेमल मौला